a very good afternoon to all of you this is sona sharma your reasoning educator i welcome you all in the official youtube channel of bankers adda i hope all of you are doing well and you are ready for a one shot video of distance and direction today we will discuss all the concepts of distance and direction this session will cover your pre as well as means so this session is going to be very important दीज क्लासेस विल बी शेड्यूल्ड फ्रॉम टू पी एम ठीक है एवरी मंडे यू विल गेट दीज क्लासेस फ्राम टू थर्टी पी एम सॉरी एंड फिर हम यहाँ पर डेली बेसिस पे अलग अलग चैप्टर्स करेंगे <laughs> चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस द डायरेक्शन आज के सेशन में हम बेसिक्स से लेकर प्रो लेवल तक के डिस्टेंस डायरेक्शन कर लेंगे इसके बाहर इस वीडियो के बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं मिलने वाला है कोई भी बैंक एग्ज़ाम हो आप आराम से जा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है प्रैक्टिस ज़रूर मैंडेटरी होगी इसके बाद प्रैक्टिस करिएगा खूब सारी और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो साथ ही साथ जो वेट कर रहे थे उन्हें मैं बोल देती हूँ कि ढाई बजे से ये आपसे लगेगा हर मंडे ओके okay? सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं ओके okay. uh, अगर अभी तक आपने बैंक का सदा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे एंड uh, फिर हम आगे थोड़ी सी और बात आपको बता दूं रोज रोज सुबह नौ बजे मैं एक पूरा एक मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराती हूँ जिसमें सारे चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं तो यहाँ पे जरूर जुड़िएगा जहां पे क्रैश कोर्स पढ़ा रही हूँ मैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए और रोज दोपहर बारह बजे मतलब ठीक ट्वेल्व पी पे ठीक बारह बजे दोपहर को मैं लेके आती हूँ रीजनिंग रील्स अब इसमें क्या है क्यों लोग इसे पसंद कर रहे हैं उसके लिए आपको ये देखनी पड़ेगी डेली बेसिस पे ओनली ऑन बैक का सटा स्टार्ट करते हैं सेशन को बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा ये देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है क्या दिशा और दूरी यहाँ पे बात की जाएगी आपके दिशा और दूरी की ओके वीडियो क्लियर आ रही है ना आप देखिए दिशा क्या होती है अगर मैंने बोला कि अभी आप किस दिशा में देख रहे हैं तो मे बी कुछ लोग ईस्ट में देख रहे हो कुछ वेस्ट में कुछ नॉर्थ में कुछ साउथ में है ना हमारे कितने डायरेक्शन होते हैं वी हैव फोर डायरेक्शन इसी के साथ अगर मैं आपसे ये पूछू क्या और डायरेक्शंस होते हैं तो हाँ और चार डायरेक्शन होते हैं जो कि आज हम देखेंगे भी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहां खड़ा है ए और कोई भी यहाँ है और मैं आपसे पूछूं कि बताए ये विद रिस्पेक्ट टू बी बी के संदर्भ से ए कहाँ है तो आंसर क्या होगा ये पता लगाना पड़ेगा बट इसके लिए पहले हमें सीखना होगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बेस इसी के साथ अगर मैं आपसे ये पूछती वियर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए या फिर वीयर इज ए विद रिस्पेक्ट टू बी दोनों के ही आंसर डिफरेंट होते ठीक है चलो इतना तो हम पढ़ेंगे ही और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी टाइप अभी डिस्कस करूंगी पर पहले कुछ क्वेश्चन आपसे मैंने अगर आपको बोला कि प्लीज अपने राइट दो बार टर्न कर जाइए तो आप अब किस डायरेक्शन में देख रहे हैं क्या आप बता सकते हैं ठीक है अच्छा एक और मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन प्लीज मैं अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज अपने राइट फोर टाइम्स मुड़ जाइए तो अब आप किस दिशा में देख रहे होंगे तो यहां पे आप लोगों का आंसर सही है गलत है या फिर किस तरीके से हम ये चीजें सीख रहे होते हैं ये सब अभी हम देखेंगे किस बेस पे हम आंसर देने वाले हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितनी दिशाएं होती हैं कितनी होती है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ओके साथ ही साथ इनके चार और सब डायरेक्शन आ चुके हैं हमारी जिंदगी में जो है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट अब आपके मेरे माइंड में तो आ गया नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट कहाँ होंगे कैसे होंगे लेकिन आपके माइंड में वो इमेज बिल्कुल छप जाए उसके लिए मैं यहां पे एक डायग्राम डायग्राम दिखाने वाली हूं। ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है फॉर ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ये डायग्राम आपका बेस है डिस्टेंस डायरेक्शन का क्या है ये डायग्राम पहले तो मैं खुद बनाऊंगी जरूर ये है आपका ये डायग्राम शायद आपका नॉर्थ इस टाइम कुछ हो आपका ईस्ट कुछ और हो सभी का डिफरेंट हो लेकिन 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 यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो रफ शीट होगी या फिर जिस तरीके से आप देख रहे होंगे चीजों को उसमें आप सारे डायरेक्शन में क्या करेंगे हमेशा आप नॉर्थ को ऊपर और साउथ के इसके अपोजिट नीचे की साइड लेंगे इसी के साथ जब भी ईस्ट की बात होगी आप इस डायरेक्शन में देखेंगे और जब भी वेस्ट की बात होगी आप इस डायरेक्शन में देखेंगे यहां पे मैंने चार डायरेक्शन बता दिए पर अगर मैं आपको इन्हीं डायरेक्शंस के बीच में ले जाऊं ठीक है हम्म तो ये है साउथ और ईस्ट के बीच में इसलिए इसका नाम हो जाएगा साउथ ईस्ट ये है आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इसलिए इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट ये है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में सो दिस विल बी योर नॉर्थ वेस्ट एंड दिस विल बी योर साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट ये आपके बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए अभी के अभी याद कर लीजिए जहाँ हमारे पाओ होते हैं वहां होता है साउथ जहां हमारा सर होता है जहां हेड होता है दैट इज अवर नॉर्थ हमारा ये जो राइट हैंड है पर अगर आप ऐसे खड़े हैं ऐसे अपनी रफ शिट को देख रहे हैं तो आपका राइट वाला होगा ईस्ट एंड योर लेफ्ट वन विल बी वेस्ट। समझ में आया ईस्ट मतलब राइट वेस्ट मतलब लेफ्ट नीचे की ओर बॉटम के साइड या फिर पैरों की ओर साउथ और हमारे जो ये सर है इसके और क्या जाएगा नॉर्थ समझ में आई बात इतनी चलो आगे चलते हैं इतना समझा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए अब आगे धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ठीक है चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं बिल्कुल बेस की बात कर रही हूँ यहाँ पे अभी मैंने ये डायग्राम आपको बना के दिखाया है ना समझ में आई ये बात सबको थोड़ा और आगे चलते हैं इसे ही हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे नॉर्थ को एन साउथ को एस ईस्ट को ई e, और वेस्ट को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे जिससे कि जल्दी डायग्राम बन पाए दूसरी चीज़ इनके बीच के डायरेक्शन को भी हम कैसे करेंगे नोट एन ई एसई एन डब्ल्यू एंड एस डब्ल्यू साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ठीक है चलो आगे चलते हैं अब ये क्या आ गया अब ये जो मैंने आपको डायरेक्शन सिखाए हैं आज से से हम डायरेक्शंस को इन तरीके इस तरीके इस ही देखेंगे और ये डायरेक्शंस में क्या आप एक चीज देख पा रहे हैं कि यहां पे कुछ एंगल की बात की गई है तो यहां पे आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब मैं बात करती हूं जब मैं बात करती हूं आपके नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट की तो इसका मतलब ये होता है कि नब्बे डिग्री का एंगल है नॉर्थ और ईस्ट में आपको दिख रहा है ना पेंडिकुलर ऐसे ही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में नब्बे डिग्री का एंगल है ऐसे ही अगर मैं साउथ ईस्ट देखूं या फिर साउथ वेस्ट देखूं तो इनमें भी नब्बे नब्बे डिग्री का एंगल होगा दिख रहा है है ऐसे आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये नॉर्थ ईस्ट कहाँ है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए ये जो नॉर्थ ईस्ट दिखाया गया है ये कहा होता है भाई नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट है इस टाइम बिल्कुल बीच में अगर मिड में आ रही है लाइन मतलब इसने एंगल यहां से यहां अगर देखो और यहां से यहाँ देखो तो दो एंगल हो गए ये 45 डिग्री और ये इतना 45 डिग्री और ये पूरा हो गया मिलके 90 डिग्री इतना समझ में आया नेक्स्ट अब आगे देखिएगा ऐसे ही इन दोनों में भी 45 डिग्री और इन दोनों में भी 45 डिग्री इन दोनों में 45, 45, 45, 45 टोटल अगर मैं यहाँ से लेके घूम गई पूरा तो मैंने 360 डिग्री मतलब पूरा ऐसे मैं गोल घूम चुकी हूँ और 360 डिग्री वापस मैं आपकी तरफ देख रही हूँ समझ में आई बात मतलब की अगर मैं आपको बोलू थ्री डिग्री घूम जाइए तो आप फिर से मुझे ही देखने लगेंगे चलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं और क्या हो सकता है भाई हम्म चलो अब बात आती है किसी का राइट किसी का लेफ्ट कैसे पता लगाया जाए अब कोई नॉर्थ में देख रहा है मैंने बोल दिया भाई ऊपर की साइड देख रहा है कोई साउथ में देख रहा है मैंने बोला नीचे की साइड पैरों की ओर देख रहा है लेकिन आप कैसे पता लगाएंगे उस व्यक्ति का राइट और लेफ्ट क्या है तीन तरीकों से आप पता लगा सकते हैं वो तीन तरीके मैं यहां पे मेंशन कर रही हूं नंबर फर्स्ट मेथड क्या है ये मेथड्स टू फाइंड राइट एंड लेफ्ट ठीक है राइट और लेफ्ट पता करने के तरीके मेथड्स टू फाइंड राइट एंड लेफ्ट चलिए पहला मेथड पहला मेथड है एज्यूम योरसेल्फ ऑन दैट साइड या फिर ऑन दैट प्लेस मतलब कि समबड़ी फेसिंग इन नॉर्थ अगर कोई नॉर्थ में देख रहा है तो आप क्या करेंगे आप यहाँ 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 खड़े हो जाएंगे और ऊपर की ओर देखने लगेंगे अब बताइए अगर आप यहाँ खड़े हैं ऊपर की ओर देख रहे हैं तो आपका राइट हैंड कहाँ यहाँ लेफ्ट हैंड कहाँ यहाँ तो आपका राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा पता चल जाएगा है ना इसका राइट इधर जा रहा होगा लेफ्ट इधर जा रहा होगा या फिर अगर कोई ईस्ट में देख रहा है तो उसका राइट लेफ्ट क्या होगा मतलब आप यहां खड़े हैं आप इधर देख रहे हैं आप जब यहां खड़े होंगे तो आपका राइट नीचे की ओर जाएगा इधर की ओर मतलब राइट इधर होगा आपका लेफ्ट ऊपर की ओर जाएगा मतलब कि लेफ्ट यहां आ जाएगा है ना ठीक है अच्छा अगर आप साउथ में देख रहे हैं तो क्या साउथ में अगर आप देख रहे हैं यहां खड़े हैं साउथ में नीचे की ओर देख रहे हैं ठीक है यहां खड़े हैं और इधर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका राइट आपका राइट इधर और लेफ्ट इधर हो जाएगा है ना तो जहां देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके राइट और लेफ्ट बदलते रहेंगे तो एक तो है आप खुद उस जगह पे जाके खड़े हो गए उसी एरो की तरफ आप देखने लगे और बोलेंगे ये मेरा राइट ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट लेकिन अगर मैं फिर थोड़ा इसे और सिंपल कर दू तो, तो एक तो आप इसे कर सकते हैं बायूमिंग योर सेल्फ दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं यू कैन यूज लेफ्ट थंब रूल क्या लेफ्ट थंब रूल जैसे हम फिजिक्स में पढ़ा करते थे ठीक है पर ये बहुत आसान है देखिए कैसे अगर कोई भी पर्सन नॉर्थ में देख रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे अपना लेफ्ट हैंड लेंगे लेफ्ट हैंड के जो फोर फिंगर्स होंगे उस डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है मतलब जहां एरो है एरो कहा है? है, नॉर्थ की तरफ है ना आपका ये जो थंब है हमेशा आउटसाइड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वर्क रफ शीट और विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड थंब हमेशा बाहर होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए अब अब जो आपका ये फेयर पार्ट है या फिर ये जो आपका फ्रंट पार्ट है ये हमेशा उसका क्या होगा राइट और ये जो आपका बैक पार्ट है ये जो काला पार्ट है ये डार्क पार्ट ऑफ योर लेफ्ट लेफ्ट हैंड लेफ्ट समझ में आया ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा आपका राइट दिस विल बी राइट दिस विल बी लेफ्ट अब देखो इफ संबडी इज फेसिंग इन इफ संबडी इज फेसिंग इन वेस्ट ठीक है लेफ्ट हैंड थम रूल लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिया थम आउटसाइड ऐसे ठीक है फोर फिंगर्स कहा जहां वेस्ट है ये ऐसे ठीक है राइट हैंड राइट क्या हुआ ये वाला पार्ट फ्रंट पार्ट तो ये राइट हो जाएगा इस व्यक्ति का और लेफ्ट बैक पार्ट ये वाला पार्ट क्या लेफ्ट हो जाएगा क्या किया लेफ्ट हैंड थम रूल लगाया समझ में आई चलो आओ एक और करते हैं अगर कोई साउथ में देख रहा है अपना लेफ्ट हैंड लिया थम आउटसाइड होना चाहिए ये लीजिए नीचे देख रहा है साउथ की तरफ ये लीजिए राइट क्या होगा इसका राइट इधर आ जाएगा लेफ्ट क्या होगा इसका इधर आ जाएगा आई बात समझ ठीक है ठीक है। ये चीज समझ मैं आ गए अब एक और तरीका एक तीसरा तरीका लेफ्ट और राइट Uh, करने का होता है दैट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ठीक है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज बस ये तीन तरीके होते हैं और एक तरीका जो प्रैक्टिस से आपके अंदर आ जाता है दैट इज़ आप, अब आप, फिर आपको ज़रूरत नहीं होती है ना ही लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करने की ना ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाइज यूज़ करने की और ना ही खुद को एज्यूम करने की आप डायरेक्ट आप प्रैक्टिस के बाद जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट आपके माइंड में आपका ब्रेन ट्रेन हो गया होता है और आपको डायरेक्ट पता होता है कि भाई इसका राइट इधर और इसका लेफ़्ट इधर जाएगा ठीक है सबसे अच्छी तरीका वैसे ही पता है क्या होगा अपने आप को एज्यूम कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा जैसे कि मैं अगर यहाँ यहाँ होता और मैं यहाँ देख होता तो मेरा लेफ्ट ये राइट ये होता कितना आसान हो गया है ना हाँ पर अब एंटी क्लॉकवाइज वाइज कैसे यूज करेंगे वो भी बता देती हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब रूल बता दिया एज्यूमिंग योर सेल्फ बता दिया अब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज वाइज क्या होगा किसी का भी राइट हमेशा उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा किसी का भी लेफ्ट उसके एंटी क्लॉकवाइज जाएगा देखिए कैसे क्लॉकवाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रही होती हूँ बट स्टिल मैं ये बताऊंगी ये वन शॉट वीडियो है सब चीज मैं आप तक पहुँचा रही हूँ क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा आपका घड़ी की दिशा में घड़ी की घड़ी ऐसे चलती है घड़ी की दिशा में एंटी क्लॉक वाइज क्या हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा कैसी होती है आपकी ऐसे हो जाएगी है ना वन टू थ्री फोर क्लॉक वाइज बट जब ऐसे चल रही होगी दैट विल बी द विपरीत दिशा अब इफ somebody इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन तो उसकी घड़ी की दिशा कौन सी हुई भाई घड़ी तो ऐसे चलती है ऐसे मतलब इस साइड इसका क्या आएगा राइट आएगा और घड़ी की विपरीत दिशा कैसे होती है इधर होती है उल्टी घड़ी ऐसे होगी तो लेफ्ट इसका ये होगा समझ में आया इफ इज फेसिंग इन वेस्ट डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा घड़ी की दिशा कौन सी हो जाएगी भाई घड़ी तो ऐसे चल रही होती है मतलब राइट ये क्लॉकवाइज हमेशा राइट होगा और जब भी आपका घड़ी की विपरीत दिशा होती है तो क्लॉकवाइज आपका लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉकवाइज होता है वो हमेशा व्यक्ति का राइट होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो उसके लेफ्ट में चलेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर अगर तुम्हें लेफ्ट चलना है एंटी क्लॉकवाइज चल लो राइट चलना है तो क्लॉकवाइज चल लो ये तीनों चीज कंफर्म हुई कैसे फाइंड करते हैं राइट और लेफ्ट किसी भी पर्सन का ठीक है अब मैं थोड़ा और सिंपल वे में कुछ चीज बताती हूँ देखो अगर कोई पर्सन नॉर्थ में देख रहा है उत्तर में देख रहा है तो आप कुछ मत करो आप आप कर रहे हो अपना क्वेश्चन आपका जो राइट होगा वही उसका राइट होगा आपका जो लेफ्ट होगा वही उसका लेफ्ट होगा दूसरी चीज अगर कोई पर्सन आपका साउथ में देख रहा है तो आपका राइट लेफ्ट का ठीक ऑपोजिट हो जाएगा मतलब कि अब जो आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो आपका राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा मतलब 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 देखिए अगर कोई नॉर्थ में देख रहा है तो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है राइट लेफ्ट ऐसे काम कर रहा होगा लेकिन अगर कोई साउथ में देख रहा है मतलब उसका ठीक ऑपोजिट तो राइट लेफ्ट भी ऑपोजिट हो जाएगा मतलब यहां अब लेफ्ट और यहाँ अब राइट हो जाएगा समझ में आई बात ऐसे ही अगर कोई ईस्ट में देख रहा है तो उसका राइट ये और लेफ्ट ये हो जाएगा और इसी का ऑपोजिट राइट ये लेफ्ट ये हो जाएगा समझ में आई बात चलिए आगे चले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये था हमारा लेफ्ट राइट फाइंड करने के तरीके चलिए तो यहां पे हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मैंने अभी आपको बताया वो ही है इस डायग्राम में कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो मतलब आप किसी के लेफ्ट में चल रहे हो और अगर आप क्लॉकवाइज ऐसे चल रहे हो तो इसका राइट right ये इसका राइट right ये इसका राइट right ही है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट हो रहा है इसका लेफ्ट यह इसका लेफ्ट ये इसका लेफ्ट ही ठीक है, ही है। चलो अब मैं थोड़ी सी चीजें अपने साइड से आपको और सिखाना चाहती हूं क्योंकि सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास देखिए यहां पे अभी तक हमने क्या देखा ये है हमारा नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट और ये वेस्ट यही है ना यहां से हमारा गया नॉर्थ ईस्ट यहां से हमारा गया नॉर्थ सॉरी साउथ ईस्ट हमेशा याद रखना कभी भी आप ना इसे ईस्ट साउथ नहीं करेंगे वेस्ट ए, वेस्ट नॉर्थ नहीं करेंगे क्यों क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक अगर आप अर्थ पे देखें वैसे कोई वैसे कोई वैसा तो रीज़न नहीं है बट जो मुझे लगता है वो शायद ये है अर्थ पे हम जब बात कर रहे होते हैं पोल की तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप बोल रहे होते हैं है ना तो इसलिए हमेशा वो जो पोल होते हैं जो नॉर्थ होता है वो जो साउथ होता है उसे हम हमेशा पहले रखते हैं रेफरेंस के तौर पे उसके बाद हम साउथ ईस्ट और वेस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है थीके? तो कभी भी आप ईस्ट को पहले नहीं रखेंगे नॉर्थ से या फिर साउथ से आगे देखिए ये क्या है साउथ और ईस्ट के बीच में है तो ये हो गया साउथ ईस्ट ये आपका साउथ और वेस्ट के बीच में है तो ये आपका हो गया साउथ वेस्ट ये नॉर्थ और ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट इतना समझ में आया ना साथ ही हमने एक और चीज सीखी अभी तक कि ये फोर्टी फाइव डिग्री है और ये पूरा नाइन्टी डिग्री है ठीक है अब मैं कुछ कुछ और चीजें आपको सिखा रही हूं यहां पे देखिएगा अगर मैं ये देखू अगर मैं इतना देखू तो यह है फोर्टी फाइव डिग्री लेकिन अगर मैं इतना देखू तो यह है 90 डिग्री ये बात समझ में आई ठीक है पर अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों के बीच में बताइए तो ये कितना हो गया नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में यहां पे कितने डिग्री का एंगल होगा तो ये होगा आपका 90 डिग्री का फोर्टी फाइव और फोर्टी फाइव ठीक इसी के साथ आपका हमने डिग्री देख लिया कितना होता है क्या होता है अभी हमने लेफ़्ट और राइट निकालना भी सीखा था अब मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ क्या उन मेथड से आप निकाल सकते हो इफ़ समबडी इज फेसिंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन अगर कोई साउथ ईस्ट में देख रहा है तो उस पर्सन का राइट और लेफ्ट क्या होगा ये बताइए कैसे बताएंगे अगर वो साउथ ईस्ट में देख रहा है अगर मैं लेफ्ट हैंड थम रूल से बताऊं तो मैं क्या करूंगी साउथ ईस्ट में देख रहा है मतलब इधर देख रहा है थम बाहर चारों फिंगर्स उसी डायरेक्शन में जहां देख रहा है लेफ्ट कहाँ जाएगा भाई यहां जाएगा राइट right कहां जाएगा भाई यहां जाएगा अगर इसे राइट right घुमाना है घुमा दो फोर्टी फाइव डिग्री और फोर्टी फाइव डिग्री 90 डिग्री राइट घूम गया अगर इसे लेफ्ट घुमाना है नाइन्टी डिग्री तो क्या करेंगे लेफ्ट लेफ्ट आधा ये फोर्टी फाइव डिग्री फिर फोर्टी फाइव डिग्री पूरा नाइन्टी डिग्री घूम गया समझ में आया बात ठीक है अब मुझे एक और बात बताओ अगर मैंने आपको बोला जो मैंने पहले आपसे पूछा था मैंने बोला प्लीज अपने आ, दो बार राइट मुड़ जाइए या फिर प्लीज अपने दो बार लेफ्ट मुड़ जाइए अब आप किस डायरेक्शन में देख रहे होंगे आपको झट से बोलना था मैम अपोजिट डायरेक्शन या फिर हम आपको नहीं देख रहे होंगे ठीक है आपकी बैक मुझे अब दिख रही होगी मतलब कि अगर अभी आप मुझे देख रहे हैं और मैं बोलती हूँ अपने राइट दो बार मुड़ जाइए जाइए टर्न हो दो बार राइट राइट इट मींस आप अपने राइट में जब मुड़ेंगे तो आप अब जैसे मैं हूं, अगर अपने राइट में मुड़ूंगी अपने राइट हैंड पे तो पता है कैसे मुड़ूंगी भाई राइट तो ये सारा है ये सारा राइट है मैं थोड़ा अब यहाँ पे देख रही हूँ हो सकता है मैं यहाँ देख लू राइट मुड़ के यहाँ देख लू यहाँ देख लू यहाँ देख लू सब राइट ही तो है लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब वो बोलता है ना कि एक बार राइट घूमो तीन बार राइट घूमो दो बार राइट घूमो तो हम हर राइट पे 90 डिग्री के एंगल पे घूम रहे होते हैं मतलब कि अगर आप एक बार भी राइट घूमें आप अभी मुझे देख रहे हैं आप राइट घूमेंगे मतलब अपने राइट हैंड की ओर घूमेंगे जब राइट घूम रहे हैं तो पूरा पेंडिक्यूलर बनाते हुए मतलब अब डायरेक्ट आप यहाँ देख रहे होंगे फिर राइट घूमें तो अपना राइट हैंड इधर की तरफ तो इधर से मैं पूरी तरीके से मुड़ जाऊंगी और अब मैं यहाँ देख रही हूँगी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मी मैं जिस डायरेक्शन में पहले देख रही थी उस डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट मतलब इफ़ आई एम फेसिंग इन नो डायरेक्शन तो आ, अब दो बार राइट मुड़ने के बाद मैं कहा देखूंगी मैं साउथ डायरेक्शन में देखूंगी अगर आप लोग ईस्ट में देख रहे थे और मैंने बोला दो बार लेफ्ट मुड़ जाओ तो अब आप कहा देख रहे होंगे ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है आपका वेस्ट वेस्ट में देख रहे होंगे ठीक है मतलब कोई भी पर्सन अगर अपने राइट या लेफ्ट मुड़ जाए वो भी दो बारी दो बार लेफ्ट या फिर दो बार राइट टर्न हो जाए तो वो कहा हो जाएगा वो हमेशा अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा लिख लेंगे ये सब चीजें अगर कोई पर्सन अपने अब बहुत अच्छे से ये बात भी सुनना इतनी सुन रहे हो तो ये भी सुन लो अगर मैंने आपको बोला चार बार अपने राइट मुड़ जाइए प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट मुड़िए जरा सब सब मुड़ना शुरू कर दो कहा देख रहे हो गए आप सेम डायरेक्शन चलो हम मुड़के दिखाते हैं आपको अभी मैं यहाँ पे आपको देख रही हूँ और मुझे अपने राइट right में आपने बोला कि मैम प्लीज अपने राइट right में मुड़ जाइए ये चार बार तो मैं कैसे मुड़ूंगी भाई राइट right में चार बार देखो मैं ऐसे भी तो मुड़ सकती हूँ ये एक ये दो ये तीन ये चार लोग मैं देख रही हूँ अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की ओर नहीं जी ऐसे नहीं मुड़ना है क्योंकि इन्होंने याद रखना ही जो लाइन बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने हमें एंगल नहीं बताया कितने एंगल पे मुड़ना है और जब एंगल नहीं बताते हैं सिर्फ ये बोलते हैं लेफ्ट मुड़ जाओ राइट मुड़ जाओ इसका मतलब कि आपको हर बार जब आप एक भी बार राइट या एक बार एक बार लेफ्ट मुड़ेंगे मतलब आप अपने नब्बे डिग्री के एंगल पे मुड़ेंगे

वो सेम डायरेक्शन में देख रहा होगा ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लेफ्ट या राइट right को क्या लेते हैं 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ाते हैं मतलब कि हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आप कितने डिग्री के एंगल पे व्यक्ति को मुड़ाएंगे 90 डिग्री एंगल पे आप लेंगे एंगल पे यू विल टर्न करवाएंगे टर्न कराएंगे समझ में आई ये बात आपको ठीक है हुँ. चलो अब मैं यहां से क्वेश्चन पूछती हूं मैंने बोला आप अभी नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं और आप अपने चार बार राइट में मुड़ गए अब बताइए आप कहाँ देख रहे हैं जल्दी बताइए से उसी डायरेक्शन में ठीक है नॉर्थ ईस्ट बोला था नॉर्थ ईस्ट में ही देख रहे क्योंकि चार बार राइट मुड़े लेफ्ट मुड़े मैंने बोला प्लीज टर्न टू ये तो बताइए अब आप कहा देख रहे होंगे आप अभी साउथ वेस्ट में देख रहे हैं। बहुत से जो बता रही हूँ बात अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ गया लिखते बन चल रहे हो ना सब चीजें नोट्स बन रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से देखो अगर मैंने आपको बोला दो बार इफ आई से की आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट बोला था ना आपका फेस है आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट में ठीक है ठीक है और मैंने आपको बोला प्लीज टर्न टू टाइम्स लेफ्ट अपने लेफ्ट दो बार मुड़ जाइए मतलब कि एक बार लेफ्ट फिर दूसरी बार लेफ्ट तो अब आप कहा देख रहे होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट क्या होता है ठीक यहां से ही बता दोगे उसे देखने की भी जरूरत नहीं है क्या करोगे साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ और वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट अब देखो यहां पे साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या है नॉर्थ ईस्ट समझ में आई बात क्लियर है चलो ये वाली चीज समझ में आई चलो ठीक है अब तुम्हें थोड़ा सा मन कर रहा है घुमाने का चलो घुमाते हैं तुम्हें एक क्वेश्चन की ओर एक पर्सन है ए hmm. एक ए पर्सन है ये ही इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन अ पर्सन ए ज फेसिंग इन ए देख रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में ही टर्नस टू हिज राइट ठीक है ये अपने नॉर्थ में देख रहे हैं और ये अपने ठीक है ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स Ten meter. Then he turns left and walks twelve meter. Then he turns to his right. and walks 5 meter in which direction he is facing now in which direction he is facing now bataiye kya hoga राइटिंग में मत जाना भाई ठीक है क्या हो गया क्या बोल दिया भाई इनने बहुत सिंपल अंदाज में बोला है कि कोई व्यक्ति है नॉर्थ में देख रहा है आपने बोला चलो ठीक है नॉर्थ में देख रहा है ही टर्नस टू हिज राइट वो अपने राइट right में मुड़ा राइट right कहाँ होगा भाई इधर देख रहा था राइट right कहाँ होगा राइट right तो इसका इधर होगा राइट right हैंड तो इधर है तो इधर अब राइट right में मुड़ेगा मतलब सीधा मुड़ेगा मतलब कि नब्बे डिग्री के एंगल पे अभी यहाँ देख रहा था अभी नॉर्थ में देख रहा था नब्बे डिग्री के एंगल पे राइट राइट हैंड इस साइड जाएगा तो ये अब कहाँ देख रहा होगा यहाँ देख रहा होगा है ना ईस्ट में

है ना लेफ्ट कहाँ होगा इस साइड होगा ऊपर की साइड तो क्या करेगा ये अभी यहाँ देख रहा था अब यहाँ देखने लगेगा ये ऐसे ऐसे पूरा पापेंडिकुलर है ना लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल ऐसे चलने लगेगा लो सीधा बन रहा है सीधा ही नहीं बन रहा है रोको ये लाइट्स के वजह से आपको पता है मुझे दिख ही नहीं रही आधी स्क्रीन जब मैं इस साइड खड़ी हो रही हूँ ना कोई बात नहीं चलो अब ये ये चला ये लो बारह मीटर ठीक है अपने लेफ्ट मुड़ के ये सीधा चला बारह मीटर अब इन्होंने बोला फिर वो अपने टर्न होता है राइट में और चलता है पांच मीटर अब राइट कहाँ होगा राइट कहाँ होगा भाई इधर ही तो होगा कैसे मुड़ेगा अभी यहाँ देख रहा था अभी ठीक राइट इस साइड है अब ठीक यहाँ देखने लगेगा ऐसे तो यहाँ देख के और फिर चल भी पड़ेगा कितना चलना था पाँच मीटर ये लो पाँच मीटर चलिए ठीक है चल तो वो बहुत लिया अब ये कहाँ देख रहा है अब ये आप बोलेंगे मैम ये तो हमारा ईस्ट में देख रहा है इधर जो होता है ना इधर ईस्ट होता है मैम। आंसर ईस्ट आ जाएगा है ना? पर क्या आपको पता है इसमें बस फेसिंग का पूछा था जब वो पूछते हैं ना कि ही इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन इन्होंने डिस्टेंस की तो बात ही नहीं की तो इन डिस्टेंस की और इस डायग्राम की कोई जरूरत ही नहीं थी हम इसे कैसे कर सकते थे देखिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करती मैं बस ये देखती हूँ इसका लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट क्या चल रहा है मुझे ये पता है कि ये व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा था यहाँ खड़ा कोई व्यक्ति है हु इज फेसिंग ए नॉर्थ डायरेक्शन अब यहाँ पे इतना सब करने से अच्छा बस ये बताइए मुझे राइट और लेफ्ट के बारे में पहले वो नॉर्थ में देख रहा है अपने राइट मुड़ा फिर वो लेफ्ट मुड़ा और फिर वो राइट मुड़ा क्या हुआ राइट लेफ्ट राइट ठीक है अब पता है क्या करो कहां देख कहां रहा था नॉर्थ में राइट लेफ्ट राइट राइट से लेफ्ट गया बचा क्या राइट right. अब जब नॉर्थ में कोई देख रहा है और उसके राइट में मुड़ जाओगे राइट में बस राइट में मुड़ गए तो अब वो कहां देख रहा होगा नॉर्थ का राइट क्या होता है ईस्ट तो आंसर क्या आ जाएगा ईस्ट क्लियर इतना कैसे कर लिया बहुत जल्दी कर लिया है ना अब मैं ये भी बोलूंगी कि बैंकिंग में डिस्टेंस भी पूछा जाता है तो हम ऐसे नहीं कर रहे होंगे पर हमें तरीका पता होना चाहिए अगर बस फेसिक वाला आ गया समय कम है और आप सोच रहे हैं कि यार डिस्टेंस वाला नहीं कर पाऊंगा मैं डायरेक्शन वाला कर लेता हूँ तो आप बहुत जल्दी ये कर सकते हैं बट जो पॉपुलर क्वेश्चन है मैं आगे बताऊंगी रिस्पेक्ट टू वाला वो ज़रूर आता है उसे कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी पर पहले थोड़ा सा इसे और सीख लेते हैं ठीक है ये क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा हो गया था है ना इतना बड़ा क्वेश्चन पर सिंपल सा आंसर था अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ ठीक है बहुत मजे से बहुत आराम से पढ़ेंगे कोई जल्दबाजी नहीं है मैंने अपनी सारी क्लासेस आगे शिफ्ट करा दी है जल्दबाजी नहीं करेंगे मस्त आराम से बिल्कुल हर चीज पढ़ते चलेंगे क्योंकि हमारा बेस बना रहे हैं फाउंडेशन बना रहे हैं अब देखिए मैंने आपको बोला कोई व्यक्तिबडीज फेसिंग इन वेस्ट कोई वेस्ट में देख रहा है ठीक है अब यहां से मैं किसी बच्चे का नाम लेती हूँ जैसे कि हमारे अजय हैं। अजय इज फेसिंग इन वेस्ट डायरेक्शन देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स ट्वेंटी मीटर देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स सेवन मीटर देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स ट्वेंटी वन मीटर Then he turns, नहीं, फिर आप और कुछ करते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे वो लेफ्ट मुड़े ट्वेंटी मीटर चले ट्वेंटी वन मीटर चले आफ्टर ट्वेंटी नाउ ही टर्नस टू हिज राइट अब वो अपने राइट right में मुड़े ठीक है थर्टी मीटर अगेन ही टर्नस टू हिज राइट एंड वॉक्स थर्टी फाइव मीटर ये चल रहे हैं ये मान नहीं रहे ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे नाउ ही इज फेसिंग इन वेज डायरेक्शन कहाँ देख रहे होंगे ये फेस बताइए आ जाएगा कहाँ है फेसिंग कहाँ होगी इनकी ये बताना है क्या करेंगे कुछ नहीं लेफ्ट से राइट कट जाएगा अब क्यों कट रहा है ये भी सुन लो मेरे को देखो मैं अपने राइट मुड़ू एक बार वन टाइम एक बार राइट मुड़ती हूँ मैं राइट मुड़ूंगी तो कहाँ देखूंगी भाई अभी यहाँ देख रही हूँ राइट राइट हैंड मेरा ये है मैं यहाँ देखने लगूंगी यहाँ से डायरेक्ट एक पेंडिकुलर बनाते हुए मैं यहाँ देखूंगी यहाँ अब आप तुम बोलोगे मैम फिर से लेफ्ट में देखो तुम्हारा मन नहीं लग रहा मैं यहाँ नहीं देख रही तो मैं अब राइट क्या मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ है यहाँ है तो मैं राइट लेफ्ट कहाँ देखूंगी मैं अब यहाँ देखूंगी आप लोगों की तरफ ठीक मैं फिर से ऐसे हो गई क्या था ये डायरेक्शन पे या फिर मेरे जो मैं जहाँ देख रही थी उस पर कोई असर पड़ा राइट right से लेफ्ट कट गया ना 90 -90 डिग्री, 90 डिग्री तो का मतलब न right तो ही डिग्री मुड़ रही हूँ जितना पहले उतना ही बाद में वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब की मेरे डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा ही यहाँ पे होता है तो इसमें आंसर किस डायरेक्शन में जाए देख रहे होंगे तो इसमें कुछ नहीं करना था बच्चा देखो राइट से लेफ्ट गया लेफ्ट से राइट गया फिर लेफ्ट से राइट गया तो अब पता है क्या आ गया ये आप बस इतना करना था अब यहाँ पे तो यार कुछ बचा ही नहीं मतलब वो सेम डायरेक्शन में ही देख रहा होगा मतलब वेस्ट में अब ऐसे ही जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं अगर कोई व्यक्ति इफ समबडी इज फेसिंग इन साउथ ठीक है साउथ में देख रहा है वो अपने राइट मुड़ता है फिर राइट मुड़ता है फिर राइट मुड़ता है फिर लेफ्ट मुड़ता है फिर आपका राइट मुड़ता है और फिर राइट मुड़ता है अब बताओ वो किस डायरेक्शन में देख रहा है क्या करोगे पहले तो राइट को लेफ्ट से कैंसर कर दोगे है ना? अब और क्या बचा आपके पास एक दो तीन चार चार राइट बचे हैं चार राइट बचे हैं लेफ्ट तो है नहीं कैंसिल तो हो नहीं पाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आया यहाँ पे आपके पास आया फोर राइट तो आप क्या कर देंगे जब फोर राइट right बोला जाता है मैंने क्या बताया था अभी अभी चार बार अपने राइट right मुड़ जाओ क्या हो जाएगा सेम डायरेक्शन में देखने लगोगे या फिर तुम देख लो इधर अगर कोई साउथ में है राइट right किस साइड जाएगा भाई अगर देखें तो राइट right साइड जाएगा है ना तो एक बार इधर देखने लगा दूसरी तीसरी और फिर चौथी कहाँ देख रहा है साउथ में समझ में आया तो इस पर जाने की भी जरूरत नहीं थी चार बार राइट right मतलब सेम डायरेक्शन मतलब साउथ इसी के साथ एक और चीज देखो ये बस फेसिंग बता रही हूं मैं ठीक है हम्म अब समझ लो यहां पे कुछ ऐसा आ जाए कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है वो अपने लेफ्ट मुड़ा फिर राइट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा अब बताओ कहां देख रहा है लेफ्ट के साथ राइट गया दो लेफ्ट बचे क्या आ गया आपके पास टू लेफ्ट अब आप बोलोगे मैम दो बार लेफ्ट में मुड़ा है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ही पता चल जाएगा नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट साउथ वेस्ट में वो देख रहा होगा पक्की बात है यहाँ पे देख लो नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था दो बार लेफ्ट लू एक बार लेफ्ट नब्बे डिग्री पे मुड़ा दिया फिर दूसरी बार लेफ्ट फिर नब्बे डिग्री पे मुड़ा दिया कहा देख रहा है साउथ वेस्ट में देख रहा है समझ में आई बात चलो ठीक है ये बात तो आपको समझ में आ गई अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर और, और ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी आपको इसी के साथ मैं ये भी बता दूँ कि देखिए आपको जो भी बैंक एग्जाम में मिलता है ना उसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा ठीक है और कुछ कुछ चीज़ें आप विदाउट पेन कर लो तो और भी अच्छी बात है पर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके बाद आपको हर चीज़ बस देख के जल्दी जल्दी जल टिक करनी है तो चलिए अब आगे चलते हैं आपको मैंने ये सब चीजें बता दी अब कुछ कुछ चीज़ें और बता रही हूँ वो भी सीख लीजिए अगर कोई पर्सन समझ लो देख रहा है साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट यही होगा प्लस बना लेना ये होता है ईस्ट ये होता है साउथ साउथ ईस्ट हो गया ये साउथ ईस्ट में देख रहा है और ये चल भी लिया यहाँ देख रहा था और ये चल भी लिया दस मीटर पे दस मीटर पे ये चल भी लिया यहाँ पे आके ये पर्सन खड़ा हो गया इसका लेफ्ट कहाँ जाएगा इधर राइट जाएगा इधर है ना आप इस पे जाके प्लस भी बना सकते हो फिर से ठीक है आप एक बात बताओ अगर मैं बोलूंगी इसे इसके लेफ्ट में मुड़ा दीजिए तो ये कहा, कहा मुड़ेगा भाई तो यहां पे आके प्लस बना देना ये अभी कहा देख रहा है थोड़ा मैं छोटा बनाती हूँ उस डायग्राम को जिससे कि आपको ही समझ जाए फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन अभी यहां देख रहा है मैं अगर इस पर ऐसे प्लस बनाती हूँ तो ये है साउथ ईस्ट ठीक है मैंने बोला इसको ना इसके लेफ्ट में मुड़ा दीजिए मैंने एंगल तो बताया नहीं बाई डिफ़ॉल्ट नाइन्टी डिग्री पे आप मुड़ाएंगे तो जब लेफ्ट में मुड़ाने की बात आएगी तो लेफ्ट तो इधर होता है है ना आपको पता है ये क्या है आपका ईस्ट आपको पता है ये क्या है आपका साउथ और ये आपका नॉर्थ ये कहाँ मुड़ेगा लेफ्ट तो लेफ्ट में हमें मैंने बस लेफ्ट बोला है मतलब आप नब्बे डिग्री पे मुड़ाएंगे जब इसे यहाँ से यहाँ मुड़ाएंगे पैंतालीस डिग्री हो गया फिर यहाँ से यहाँ मुड़ाएंगे नब्बे डिग्री हो गया अब ये कहाँ रहा होगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में समझ में आई बात और इसे चलाओगे कहाँ कैसे तो आप इसे चला भी ऐसे ही रहे होगे यहाँ से डायरेक्ट ऐसे समझ में आई बात नहीं आई तो कोई बात नहीं धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर होने लगेगी फिर से मैं एक चीज़ बता दूं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यहाँ पे चल रहा खड़ा है नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है तो इसका राइट क्या होगा ये होगा जब मैं इसे यहाँ से यहाँ मुड़ाऊंगी तो यहाँ ये यह कहाँ देखने लगेगा ये ऊपर नॉर्थ में लेकिन ये पैंतालीस डिग्री है अब मैं पैंतालीस डिग्री और अगर इसे घुमा देती हूँ इसके राइट में तो ये पूरा नब्बे डिग्री हो गया अगर ये पहले नॉर्थ वेस्ट में था तो ये अब कहाँ आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में ठीक है में आई बात? आगे। ईस्ट में मुड़ेगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर आना चाहिए क्वेश्चन पे नहीं अभी तो बेसिक बचा है भाई अभी तो और बेसिक बचा है अब देखो अब आ जाओ तुम क्वेश्चन पे ये तो बस अभी चीजें समझने की थी बहुत बिल्कुल 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 मिनी पॉइंट्स थे अब आएगी मेन चीजें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बहुत तरीके से बताने वाली हूँ देखो यह है ए ठीक है दिस इज बी दिस इज सी ठीक है मैंने ये तीन पॉइंट्स ले लिए हैं ए बी सी तीन पॉइंट्स मैंने कोई डायग्राम नहीं बनाया जानबूझ नहीं बनाया जिससे कि टफ हो जाए और अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूं क्वेश्चन नंबर वन वेयर इज ए ज ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्वेश्चन नंबर टू वे आर इज बी हिंदी में भी बताऊंगी विद रिस्पेक्ट टू ए क्वेश्चन नंबर थ्री विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे होगा देखिए क्या करेंगे कुछ नहीं करना है इसमें बहुत आसान है देखिए क्या करना है जहां इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू लिखा है मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में दिया गया है उस पे पहुंच जाइए बी पे पहुंच जाएंगे बी पे जाके प्लस बना दीजिए बस और कुछ नहीं करना है वो ही प्लस जो मैं अभी तक सिखा रही थी अब इन्होंने बोला है ए कहा है बी के रिस्पेक्ट में मतलब कि ए कहा है बी के संदर्भ से तो आप क्या बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू है उस पर प्लस बना दिया आपको पता है ये प्लस में ये वाली लाइन होती है नॉर्थ जो ऊपर तक जाएगी क्या होती है नॉर्थ आपको पता है ये वाली जो लाइन होती है ये होती है वेस्ट कहां तक जाएगी भाई ऐसे सीधे ही जाएगी जैसे भी जाएगी अगर इन और इनके बीच में कोई भी कोई भी पॉइंट आ रहा है जैसे ये ए पॉइंट है यहां ठीक है जैसे ये ए पॉइंट है यहां ये मान लिया ए पॉइंट ए और बी ये बी से जब मैं ए पे गई तो मैंने देखा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कही जा रहा है ये तो ये क्या हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में ये है? North West में है. Answer क्या हो जाएगा हमारा इट विल बी नॉर्थ वेस्ट ठीक नेक्स्ट दूसरा देखिए जब वो बोलते हैं वे आर बी रिस्पेक्ट टू ए तो चलो इसे देखते हैं ये कैसे होगा A से बी कहा है अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? ए के रिस्पेक्ट में ए पे पहुंच जाओ ए पे बना दिया प्लस इधर क्या जाएगा भाई? East जाएगा। नीचे क्या जाएगा भाई साउथ जाएगा और बी कहा है बी तो यहां है साउथ और ईस्ट के कहीं बीच में मतलब साउथ ईस्ट हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट अब जो मैंने पूछा वेयर इज सी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में पूछा है तो ए पे जाके प्लस बनाया बना दिया और सी ढूंढा यहां से बिल्कुल बीच से तो सी यहां है तो ये नीचे क्या लाइन जाएगी ये लाइन जाएगी साउथ ये लाइन कहाँ जाएगी ये वेस्ट और साउथ और वेस्ट के बीच में हो जाएगा साउथ वेस्ट समझ में आई ये बात आंसर विल बी साउथ वेस्ट अब एक और बात बता रही अगर मैं इसमें यह बोल दू नॉर्थ में देख रहा है अब बताइए वेयर इज सी विद रिस्पेक्ट टू ए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर यही होगा क्यों मैं चाहे इधर देखूं इधर देखूं इधर देखूं इधर देखूं देखू. अगर मेरे रिस्पेक्ट में वो चेयर पूछी जाए कहाँ है तो वो हमेशा जो प्लस होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला उस प्लस के अकॉर्डिंग बनती है मतलब मेरे से आप एक प्लस बना देंगे और उस चेयर को उसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा मैं कहीं भी देख रही हूँ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बी कहीं भी देख रहा हो पर बी के रिस्पेक्ट में ए कहाँ है वो बस उस प्लस पे डिपेंड करेगा ना कि बी कहाँ देख रहा है उस पर ठीक है आपके देखने से आपके नॉर्थ और साउथ बदल नहीं जाते हैं ठीक समझ में आई बात चलो आगे चलते हैं इतना समझ में आया ना विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है ठीक चलो आओ अब दूसरी चीज सीखते हैं अब मैं तीन चीजें अब हमने डायरेक्शन पे बहुत सारी बात की नाउ इट्स टू डू अब मतलब कि थोड़ी सी बातें हो जाए अब हमारे डिस्टेंस पे तो डिस्टेंस पे क्या होगी बातें देखो मैं डिस्टेंस पे बात करने जा रही हूं देखो डिस्टेंस में आपसे वो पूछेगा या तो डिस्टेंस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स या फिर वो आपसे पूछेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर वो आपसे पूछेगा टोटल डिस्टेंस जो भी पूछेगा सारा बता रही हूँ इसके अलावा कुछ नहीं आएगा ये बात याद रखना जितने क्वेश्चन कराऊंगी उस पैटर्न के अल, अलग से कुछ नहीं आने वाला है या फिर वो आपसे पूछेगा हाउ फार इज ए फ्रॉम बी ए हाउ फार इज ए फ्रॉम बी ठीक है ये पूछेगा ये चार चीजों के अलावा वो कुछ नहीं पूछता बस ये 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 पूछ लेता है चीजें डिस्टेंस में ठीक है इसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम वो भी बताएंगे अब पहले यहाँ पे देखिए डिस्टेंस में लिख लेना दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में लिख लेना न्यूनतम दूरी टोटल डिस्टेंस में लिख लेना कुल दूरी और फार मतलब लिख लेना कितनी दूरी ठीक है दूर दूरी अब यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए अगर मैंने यहाँ पे ये ए है और ये ए का होम है घर है ठीक है ए का घर है ए यहाँ से चलता है साउथ की ओर चला 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 यहाँ देख रहा है अपने लेफ्ट मुड़ता है लेफ्ट कहाँ आएगा लेफ्ट इधर की साइड आएगा है ना तो लेफ्ट मुड़ता है और चलता है अब ये कहाँ देख रहा है इधर फिर अपने लेफ्ट मुड़ता है ठीक है लेफ्ट मुड़ा अब ये समझ लो यहाँ दस चला यहाँ भी दस चला ठीक है अपने लेफ्ट मुड़ता है और ये यहाँ पे पहुंच गया अपने ऑफिस ये इसका ऑफिस है ऑफिस थोड़ा बढ़िया बना देते हैं इसका ये लो थोड़ा अजीब ही लग रहा है पर फिर भी चलेगा ये का ऑफिस है और ये पहुंच चुका है अपने ऑफिस ठीक अब मुझे अगर आप पूछेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एज होम एंड एज ऑफिस एक घर से ऑफिस की दूरी क्या है आप क्या बताएंगे आप डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि उन्होंने दूरी पूछी है तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहे होंगे मतलब ए से ए घर की जो ए के ऑफिस की जो दूरी होगी वो ये होगी ये लाइन क्या बताती है ये आपको बताती है डिस्टेंस दूरी क्या होगी ठीक है इन्होंने दूरी पूछी है यही चीज बताती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी जो मैंने दूसरा लिखा है न्यूनतम दूरी कम से कम मतलब अगर ए से जल्दी से आपको घर से ऑफिस जाना है तो ये शॉर्टकट जो होगा वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते थे आपने अगर इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा हो याद हो आपको कुछ तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही होगा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हमारा हाँ आगे लेकिन जब मैं आपसे बोलूंगी वॉट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एज होम एंड एज ऑफिस एक घर से ऑफिस तक का कुल दूरी क्या है तो आप मुझे क्या बताएंगे तो आप उस राह पे चलेंगे जिस राह पे चल के आप अपने स्कूल से घर पहुंचते थे था ना कोई अलग अतरंगी साहब का ओरिजिनल पाथ जहाँ से आप जाते थे तो जो दूरी आपने तय की है मतलब कि जो ओरिजिनल डिस्टेंस रहा है ए ऐसे आया ना बेचारा यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ है ना झाड़ियों में से तो नहीं आ गया तो जब वो यहाँ से यहाँ चला यहाँ से यहाँ चला तो वो एग्जैक्ट डिस्टेंस जो उसने तय किया है वो प्लस किया जाएगा मतलब तो टोटल दूरी क्या आएगी ए ये और इसे नाम दे देते हैं ये है ए की इनिशियल का घर है ये का ऑफिस है ये मान लो कोई बीच में बस स्टैंड है तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ए से बस स्टैंड और बस स्टैंड से के ऑफिस घर से बस स्टैंड बस स्टैंड से एका जो ऑफिस है ये सब प्लस हो जाएगा और फिर टोटल डिस्टेंस आएगा तो टोटल तो डिस्टेंस क्या होगा ये प्लस ये ठीक है।, है अब मुझे फार फार का क्या होगा वो भी बताएंगे पर पहले से कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट करने के लिए हमें पाइथागोरस भी सीखनी पड़ेगी यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा डिस्टेंस ये आएगा और ये क्या ऐसे पता चलेगा इसे हम एक और चीज बोलते हैं दैट इज हाइपोटेनस एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे ये नब्बे डिग्री का एंगल है क्योंकि जब मुड़ा अपने लेफ्ट तो भाई पूरा नाइन्टी डिग्री के एंगल पर मुड़े गए तो मैंने आपको बताया था अब ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं इसको नाम भी दे देती हूँ इसे ए दे दिया इसे बी दे दिया इसे सी नाम दे दिया समझो अब हाइपोटे हाइपोटेनस को कैसे निकाला जाएगा तो मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट आपसे बात करने वाली अब ठीक है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है लिख लेंगे जो आपका हाइट का स्क्वायर रहता है गाइस प्लस बेस का स्क्वायर

लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के ठीक है ये होती है आपकी पाइथागोरस यहां पे अगर मैं बोलू ट्राइंगल ए बी सी में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो कैसे लगाएंगे देखते हैं साइड में बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब कि बेस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर ठीक है अब ए बी ए बी क्या है आपका ए बी है आपका टेन तो टेन का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है टेन टेन का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी का स्क्वायर कैसे निकलेगा आप टेन का स्क्वायर होता है हंड्रेड इसका स्क्वायर होता है हंड्रेड ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर या फिर स्क्वायर हटाइए अंडर रूट लगा दीजिए अंडर रूट टू हंड्रेड हो गया आपका ए सी और इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से जैसे कि मैं हंड्रेड को लिख सकती हूँ फाइव इंटू फाइव इंटू फोर ठीक है ट्वेंटी फाइव फोर हंड्रेड हो जाएगा और बचा टू टू अंदर रहेगा ही ठीक है और इसे और प्राइम फैक्टराइज़ करके सिंपलीफाई सिंप्लीफाई मैनर में भी इसे लिखा जा सकता है वो भी देख लो यार तुम फिर पूछोगे मैम ये कैसे होगा हर चीज़ बता रही होती तो ये भी बता देती हूँ जैसे टू हंड्रेड है तो इसे आप क्या लिख सकते हो एक तो आप इसे टू हंड्रेड कर सकते हो फिर फिफ्टी कर सकते हो फिर ये ट्वेंटी फाइव टू ज फिफ्टी हो जाएगा और फिर ये टू फिर से कर सकते हो तो इसका पेयर बन गया और अंडरवुड फिफ्टी रह गया सू अंडरव फिफ्टी भी लिख सकते हो और फिफ्टी को और जैसे ट्वेंटी फाइव है इसे फाइव फाइव भी कर सकते हो ठीक है तो मैं और सिंप्लीफाई मैनर में इसे बताऊ अगर तो ये आप कैसे कर सकते हो देखो टू हंड्रेड को मैंने लिख दिया टू इंटू हंड्रेड 2 into 108 को मैं क्या लिख सकती हूँ 25 into 4 लिख सकती हूँ ठीक है 25 into 4 और बाय फर केट अगर मैं करूँ तो 25 को 5 into 5 और 4 को 2 into 2 लिख सकती हूँ बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ कर रही हूँ आई नो बट important है हर एक उस aspirant के लिए जो आ, किसी और स्ट्रीम से है न, न, मुझे आप में से कोई कॉल कर रहा है क्या जी चलिए तो अब यहाँ पे यहाँ पे मुझे क्या निकालना था मुझे इसका अंडर रूट निकालना था ना ये सब चीज अंडर रूट में चल रही है एक्चुअली ठीक है तो देखो ये पेयर बन गया फाइव का ये बन गया टू का तो फाइव इंटू टू बाहर चला जाएगा फाइव इंटू टू बाहर चला जाएगा अंडर रूट में रह जाएगा टू तो ये हो गया टेन रूट टू आप लोग अभी यही आ रहा है हम्म 10√2 वेरी गुड चलिए अब इसे थोड़ा सा मैं इरेज़ कर दूं बड़ी यहाँ पे तो भगदड़ मच गई भाई हम्म hmm. ये सब क्यों किया हमने ये क्यों निकाला हमने 10 अंडर रूट 2 आया ना इसे क्यों निकाला हमने क्योंकि जब भी a से c या फिर एक के घर से एक के ऑफिस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे हम सबसे छोटी दूरी ले लेंगे मतलब हाइपोटेनस डायरेक्ट एक करेंगे वो निकालेंगे आंसर क्या आया टेन रूट टू डिस्टेंस भी चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों एक ही चीज होती है तो हमेशा याद रखेंगे ये दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं अब आती है बात टोटल डिस्टेंस की कुल दूरी बताइए ए के घर से ए के ऑफिस की कुल दूरी के लिए क्या करेंगे ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मतलब हो जाएगा आपका टेन 10 प्लस टेन इक्वल टू ट्वेंटी आएगा टोटल डिस्टेंस अगर वो फार पूछेगा तो फार में भी आप दूरी ही लेंगे मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेंगे ये बात भी याद रखिएगा तो ए से डायरेक्ट पहुंचेंगे आंसर क्या आएगा आपका फार में भी टेन रूट टू आएगा समझ में आई डायरेक्शन बता दिया तुम्हें डिस्टेंस बता दिया विद रिस्पेक्ट टू बता दिया और सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी अब हम चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे क्या कै, क्वेश्चन कैसे होंगे ठीक है तो मजा आएगा चलो एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस जल्दी से कोशिश करेंगे इसे करने की फिर मैं बताऊंगी Turn and and ज रहेगी ये काफी कंफ्यूजिंग uh, तो रहेगी वो ऐसे बोलेगा टेन मीटर ही टर्न टू हिस्स लेफ्ट अब क्या इसका मतलब पहले वो कितना चला दस मीटर चला और फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ा जब वो बोलेंगे आफ्टर वॉकिंग सिक्स मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट मतलब पहले छः मीटर चला फिर अपने राइट में मुड़ गया बस मुड़ा है अब चलने का फिर से बताएंगे तो ये सेंटेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो चलिए इसे करते हैं फिर अब ये क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा अदिति एक बहुत प्यारी स्टूडेंट है मेरी है ना एक नहीं तीन है पूरी तो अदिति कवर करती है पंद्रह मीटर डिस्टेंस बाय वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट एस इन साउथ डायरेक्शन अदिति ने आर पॉइंट से चलना शुरू किया आदिति कवर करती है पंद्रह मीटर डिस्टेंस कितना वॉक करके बाय वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर आर से पॉइंट एस तक गई पंद्रह मीटर कर दी क्रॉस मतलब कि कवर और कहा साउथ डायरेक्शन में मतलब आर से वो साउथ गई साउथ नीचे होता है ये अभी यहाँ ही देख रही होगी जब ऐसे चली है तो ठीक कितना मीटर कवर किया पंद्रह मीटर कवर किया ठीक है और कहा देख रही है एस पे पहुंच भी गई और साउथ में देख रही है साउथ डायरेक्शन में चली तो ऑब्वियस बात है वो एस पे पहुंच गई पंद्रह मीटर कर लिया उसने She took a left turn अब वो लेफ्ट टर्न लेती है लेफ्ट टर्न कहाँ होगा साउथ में देख रही है तो लेफ्ट हमारा ऑपोजिट होता है मतलब हमारा अभी राइट हैंड ये है ना तो ये ये लेफ्ट हो जाएगा इसका अब ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल सीधा करना 90 डिग्री के एंगल पे कैसे ये अभी यहाँ देख रही है इसके ऐसे हो जाएगा बिल्कुल ठीक है एंड वॉक 24 मीटर टू रीच एट अ पॉइंट क्यू ये चली 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 कितना ये पहले तो लेफ्ट टर्न हुई लेफ्ट टर्न होके चलने लगी 24 मैं थोड़ी सी लंबी लाइन बना सकती हूँ पंद्रह से और अब ये ट्वेंटी मीटर चली और कहाँ देखने लगी पॉइंट क्यू पे पहुँच गई ये पॉइंट क्यू पे पहुँच गई चलो आगे शी अगेन टुक आ लेफ्ट टर्न एंड कवर्ड एट मीटर टू रीच एट T. फिर से लेफ्ट चली और एट मीटर चली लेफ्ट कहाँ जाएगा अभी ये कहाँ देख रही है अभी ये देख रही है हमारा ईस्ट में ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा भाई नॉर्थ होता है ना तो लेफ्ट में गई मतलब इस साइड ऊपर की साइड जाएगी मतलब ऐसे सीधे बिल्कुल और कितना आठ चली तो अब पैरल लाइन जरूर देखेंगे पूरी कितनी थी पंद्रह की लाइन थी जब हम इसे सीधा बना रहे होंगे तो इस पंद्रह की इस डॉट से नीचे आना चाहिए ठीक है तो ये यहां से शुरू हुई और यहाँ पे जाके रुक कितना? आठ मीटर। कितना? आठ मीटर रुक गई गई कितना कितना मीटर मीटर यहाँ से शुरू हुई थी यहाँ पे देख रही होगी ऊपर ही देख रही होगी उल्टा तो चल नहीं रही होगी एंड कवर्ड एट मीटर टू रीच पॉइंट टी और ये टी पॉइंट पे पहुंच गई आफ्टर वॉकिंग गईकिंग्स मीटर टूवर्ड्स ईस्ट छः मीटर ईस्ट चलने के बाद इसके बाद ये ईस्ट चली छः मीटर ईस्ट कहाँ होता है अगर ये यहाँ खड़ी है तो ईस्ट तो यहाँ ही होता है ना प्लस बना लो इसी पॉइंट पे ईस्ट यहाँ होता है तो छः मीटर ये ईस्ट चली ईस्ट में चली कितना छ मीटर फ्रॉम पॉइंट शी श्री एट पॉइंट यू पॉइंट यू पे वो पहुँच गई शेटूकल फा फा उसने अपना फा मतलब लास्ट ले टर्न लिया और उसने फाइव मीटर चल के पॉइंट वी पे पहुंच गई बहुत ध्यान से देखना ये जो है ये ठीक है ये थोड़ा मैं ऊपर ले लेती थी, हूँ ये ठीक है ये पॉइंट थोड़ा ये ये पॉइंट इसके ठीक यहाँ है और ये point ठीक इसके, इसके यहां आएगा ये पूरा पंद्रह था अगर यहां से यहां देखू तो ये आठ है तो ये भी आठ है तो बचा कितना ये जो ऊपर की इतनी लाइन होगी ये कितनी होगी पंद्रह में से आठ गया सात बचा सात की लाइन होगी ये ठीक है ये सात की लाइन होगी इनने कितना बोला है पांच चलने को मतलब जब ये लेफ़्ट मुड़के पास चलेगी तो ठीक इस पॉइंट पे मतलब कि इस पॉइंट पे तो टच नहीं करेगी क्यों क्योंकि तब टच कर रही होती जब ये पूरा साथ चल लेती तो आपको पैरेलल लाइन का बहुत ध्यान रखना है ये कितना चली यहाँ पे पाँच मीटर चली कहाँ देख रही होगी ऊपर देख रही होगी लेकिन इस पॉइंट के ठीक सामने आके खड़ी नहीं होगी क्योंकि ये जो दूरी है ये दो दो मीटर की दूरी रहनी चाहिए यहाँ पे इन्होंने बोला अ फाइनल लेफ्ट टर्न इन कवर्ड फाइव मीटर टू रीच एट पॉइंट वी वी पे पहुंचने के लिए एक सेकेंड हाँ पहुंच कहा गई है ये पॉइंट आपका यू था और ये वी पॉइंट पे पहुंच गई ठीक है थोड़ा और क्लियर कर देते हैं ये ये जो पॉइंट है ये वी है और ये वाला पॉइंट इसका यू है समझ में आई बात चलो अब ये पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन में ये बोलते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर आर के रिस्पेक्ट में पूछा है तो आर पे जाके क्या बनेगा प्लस बन जाएगा ठीक है आर के रिस्पेक्ट में वी कहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर तो आर पे प्लस बना दिया आर के रिस्पेक्ट में बताइए वी कहाँ है तो यार वी तो यहाँ है अगर मैं ये सीधे चलूँ तो ये जा रहा है ईस्ट अगर मैं नीचे चलूँ तो ये जा रहा है साउथ और मैं अगर वी तक जाऊँ मतलब कुछ यहाँ तो ये साउथ और ईस्ट के बीच में कही जा रहा है मतलब कि साउथ ईस्ट ठीक है आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट मैं एक और बात आपसे बोलना चाहूंगी इस बारे में हमेशा एक और चीज याद रखना देखो मैंने आपको एक चीज बोली है स्टार्टिंग से ठीक है क्या चीज बोली है मैंने आपको ये बोला कि नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच वाला जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है लेकिन क्या आपको ये बात पता है और ये बात अब पता लगना नहीं चाहिए थी ये नॉर्थ है ये ईस्ट है नॉर्थ और ईस्ट के ये हो चाहे बिल्कुल बीच में हो चाहे इसके इधर हो ये सभी नॉर्थ ईस्ट होते हैं हमेशा याद रखना ये सभी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर कोई भी आ रहा है ऑल ऑफ देम विल बी फेसिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ठीक है चलो दूसरा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू तीन क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने यहाँ पे एक ये दो और ये तीन क्या पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है यू और क्यू के बीच का मतलब यू से डायरेक्ट क्यू तक पहुँचो यू से आप डायरेक्ट क्यू तक पहुँचो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ठीक है अब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो दिख रहा है टी यू क्यू इसमें इसका स्क्वायर मतलब की थ्योरम लगाएंगे क्या हो जाएगा सिक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये एट का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि क्यू यू का स्क्वायर यही पता लगाना था सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर विल बी इक्वल टू क्यू यू का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा प्लस कर दो हंड्रेड हो गया क्यू यू का स्क्वायर है स्क्वायर को हटाया यहाँ पे अंडर रूट लगाया आंसर हो जाएगा टेन इज इक्वल टू क्यू यू यही था टेन हो गया इसका आंसर ठीक है एक आंसर तो इसका टेन हो गया लेकिन अब एक और चीज पूछी थी डायरेक्शन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्यू के रिस्पेक्ट में यू कहाँ है क्यू पे जाके प्लस बना लो क्यू कहाँ है क्यू यहाँ है क्यू पे प्लस अगर मैं बना लू तो इधर क्या जाता है ये प्लस याद है ना क्या होता है इधर जाता है ईस्ट ऊपर जाता है नॉर्थ ठीक है यू कहा जा रहा है यहाँ तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जा रहा है मतलब नॉर्थ ईस्ट तो आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हर एक बिगिनर बच्चे को समझ में आ रही होगी चीजें आपको कुछ नहीं मिलेगा बैंक एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन अभी मेन बात होगी लैंग्वेज की कर तो हर कोई लेगा लैंग्वेज समझ के करना मुश्किल होगा जल्दी से इसे परफॉर्म करेंगे फटाफट जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को करते हैं इस क्वेश्चन को यार एक बार लाइक भी कर देंगे इफ यू आर लाइक द सेशन क्योंकि देखो यहाँ पे एक घंटा बारह मिनट हो चुके हैं तो देखो हिंदी और इंग्लिश का ना थोड़ा सा मे बी डिफरेंट हो बट uh, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट uh, हो सकता है पर गलत नहीं होगा ठीक है तो आंसर आपके डिफरेंट आएंगे बस इतनी सी वो रहेगी अभी तक देखिए सलमान जाते हैं वॉक करते हैं नौ मीटर टुवर्ड्स वेस्ट ठीक है वेस्ट कहाँ होता है प्लस अपने दिमाग में रखेंगे हमेशा प्लस ऐसा ही रहता है आपका है ना ये होता है नॉर्थ दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट दिस इज साउथ ये बोलते हैं सलमान वॉक्स नाइन मीटर टूवर्ड्स वेस्ट टू रीच एट पॉइंट ए सलमान वेस्ट में जाते हैं वेस्ट इधर है नाइन मीटर गए वेस्ट में कहा पहुंच गए टू रीच एट पॉइंट ए ये ए पॉइंट पे पहुंच गए नेक्स्ट टू लेफ्ट एंड वॉक सेवन मीटर टू रीच पॉइंट बी लेफ्ट कहा होगा कुछ भी कर लो तीनों तरीके से लेफ्ट नीचे की साइड ही आएगा तो सीधे लेफ्ट लेफ्ट इधर नीचे की साइड होगा टर्न हो गए और फिर वो आ, कितना वॉक किए तो सात मीटर वॉक किए तो यहाँ से वो टर्न हो गए और सात मीटर वॉक किए ठीक है ठीके? और बी पॉइंट पे पहुंच गए यहाँ नेक्स्ट देन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स ट्वेल्व मीटर टू रीच पॉइंट सी अब वो राइट में टर्न हुए राइट right यहाँ होगा ठीक है मैंने थोड़ा इधर बना दिया डायग्राम थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर देते हैं डायग्राम को वेट यही था ना पहले नौ मीटर वेस्ट गया फिर लेफ्ट मुड़ा और अपना सात मीटर चला और फिर अपने राइट मुड़ा राइट कहाँ आएगा लेफ्ट हैंड रूल से इधर या फिर जब कोई साउथ में देख रहा होता है तो हमारा राइट लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट राइट बन जाता है मतलब इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा समझ में आई तो राइट उधर हो जाएगा टू रीच पॉइंट सी एंड अगेन और फिर से क्या करता है ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स फिफ्टीन मीटर लेफ्ट कहाँ जाएगा नीचे की साइड और पंद्रह मीटर ये चलेगा ये लो ये गया नीचे और ये पंद्रह मीटर चले ठीक नेक्स्ट टू रीच पॉइंट डी और डी पॉइंट पे पहुंच गए ये डी पॉइंट है कोई नेक्स्ट आफ्टर दैट ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स ट्वेंटी फाइव मीटर फिर वो लेफ्ट मुड़े ट्वेंटी फाइव मीटर लेफ्ट कहाँ होगा इस साइड होगा ट्वेंटी मीटर तो अब लाइन देखना बहुत जरूरी है जब आप यहां चले जब आप ठीक इस पॉइंट के नीचे आके खड़े हो जाते हैं ठीक है ठीक इस पॉइंट के नीचे आके खड़े हो जाते हैं तो ये बारह है तो ये भी बारह होगा ठीक हम्म यहां तक ये बारह है तो ये भी बारह होगा इसे कितना चलना था इसे पच्चीस चलना है मतलब बारह में ट्वेल्व टू था फोर हो रहा है मतलब फिर तेरह और चलना पड़ेगा तो तेरह और चलना पड़ेगा तो यहाँ से मैं सीधे सीधे चलूँगी चलूँगी और मैं यहाँ से पैरल लाइन देखूँगी तो ये नौ है यहाँ से यहाँ तक की मतलब अगर इस ठीक इस पॉइंट की अगर मैं नीचे आ जाती हूँ और इसे ऐसे कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा ये ट्वेल्व और ये थर्टीन मतलब कि ये पूरी लाइन बारह की हो गई ठीक है सॉरी पच्चीस की नहीं हुई ये नौ ही तो चला है मैंने इसे हाँ तो ये कितना है ये बारह और ये नौ है तो यहां से इस इसके नीचे जो ये वाला पॉइंट है ना ये जो ठीक इसके नीचे है यहां से लेके पूरे यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी ये नौ है तो ये भी नौ अब मैंने बारह और नौ चल ली मतलब इक्कीस चल ली मुझे कितना चलना था पच्चीस मतलब कि चार और चलना पड़ेगा तो मैं चार और चलूंगी यहाँ है ना ये लो हो गई पूरी पच्चीस हो गई ट्वेल्व प्लस फोर कर लो या फिर ट्वेल्व प्लस फोर कर लो कि सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस नाइन विल बी इक्वल टू

तो ये कोई एफ पॉइंट होगा नीचे ठीक है पांच मीटर चलने के बाद वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है अब ये बहुत कमाल की बात है ए कहा है ए से उन्होंने ये यहां से चले थे ए पे पहुंचे थे ठीक है इन्होंने पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि न्यूनतम दूरी ए और ई e के बीच की मतलब ए से डायरेक्ट आपको इस ई e पे पहुंचना था है ना क्या करेंगे भाई हम पाइथागोरस लगाने की कोशिश करेंगे पर उसके लिए इसे एक ट्राइंगल बनाना होगा राइट right एंगल ये लाइन तो यहाँ तक है अगर मैं इस लाइन को यहां तक ज्वाइन कर दू इस लाइन तक जोड़ दूँ तो ये एक राइट right एंगल दिख रहा है ट्राइंगल हाँ दिख रहा है अब पाइथागोरस लग जाएगा लग जाएगा ये क्या है हाइट हाइट कितनी है ये सात और ये कितनी इसके पहला लाइन देखो पंद्रह है तो ये भी पंद्रह तो क्या करेंगे पंद्रह प्लस सात कितना हो गया बाईस बाईस मतलब ये पूरी लाइन हो गई बाईस मतलब कि जो हाइट है हाइट का स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी टू का स्क्वायर प्लस ये जो इसकी बेस हाइट है बेस है वो क्या है नाइन और फोर नाइन प्लस फोर कितना हो जाएगा थर्टीन तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर दैट विल अब इस ये बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर इक्वल होगा आपके कर्ण हाइपोटेनस के स्क्वायर के मतलब कि ए ई का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484 होता है 13 का स्क्वायर 169 होता है और ये आ जाएगा आपका ए ई -E का स्क्वायर जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाया यहाँ गया अब इसे जब हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आया है बता देंगे आप लोग ठीक है विल बी इक्वल पे 13 हो जाएगा फिर आपका 653, यही आंसर आ रहा है, हाँ, है तो ए और ई e के बीच क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं ए और ई e के बीच का शॉर्टेस्ट की जगह टोटल डिस्टेंस पूछती तो क्या आता आप यहां से ये जा रहे होते ये जा रहे होते ये जा रहे होते ये जा रहे होते ये सब प्लस कर रहे होते जो ओरिजिनल डिस्टेंस है ठीक है अब आगे चलें, चलो नेक्स्ट उसी पे एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा इन विच डायरेक्शन इज ई विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ई कहां है तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा ये इस पर प्लस बना दो बस और क्या करना है कुछ नहीं ये बोल इसके रिस्पेक्ट में ई बताओ ई कहा आ रहा है ई कहीं यहां आ रहा है इसके नीचे तो नहीं आ रहा है यहां पे यहां आ रहा है तो कहां आ रहा है ये क्या जाता है ये है नॉर्थ नीचे है साउथ इधर है ईस्ट इधर है वेस्ट और साउथ और ईस्ट के बीच में क्या जा रहा है आपका साउथ ईस्ट ठीक है साउथ और ईस्ट के बीच में क्या जा रहा है साउथ ईस्ट तो आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट समझ में आया बात चलिए ऑप्शन फोर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब पॉइंट बेस्ड मैं क्वेश्चन यहाँ पे दी हूँ आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं अलग अलग दूरी पे हैं इसमें ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस कर लिया डायरेक्शन कर लिया अब ये क्वेश्चन कैसा होता है ये भी आप एक बार पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे फिर मैं आपको बताऊँगी कैसे होगा ठीक है जल्दी करेंगे परफॉर्म आई एम हियर ओनली सो डोंट वरी करते हैं इसे कैसे होगा देखिए इन्होंने बोला पॉइंट ई एटीन मीटर वेस्ट में है ओके ओ का वेस्ट कहां जाएगा इधर एटीन मीटर वेस्ट में ओके कौन आ गए पॉइंट ई आ गए ठीक है ये लो आ गए नेक्स्ट पॉइंट यू ट्वेंटी मीटर साउथ ऑफ ओ ओ का साउथ कहाँ जाएगा नीचे की ओर ट्वेंटी मीटर साउथ पे पॉइंट यू आ गए पॉइंट एल नाइन मीटर नॉर्थ ऑफ आर आर और एल अभी एल नहीं मिल रहा छोड़ दो बट आर के बाद एक बात बोली है विच विच जब भी बोला जाता है तो विच के बाद जो भी बात होती है किसके बारे में होती है विच से जस्ट पहले जो दिया है या नजदीक जो दिया है आर आर के बारे में हो रही है आर इज फिफ्टीन मीटर ईस्ट ऑफ यू यू का ईस्ट उधर जाएगा आर को 15 मीटर ईस्ट में बिठा देंगे और आर आ गया यहाँ पॉइंट वी ए नाइन मीटर नॉर्थ ऑफ एम अब देखो आर पता चल गया तो इस आर से एल भी पता चल जाएगा ये क्या बोल रहे हैं एल इज नाइन मीटर नॉर्थ ऑफ आर तो आर का नॉर्थ ऊपर की साइड होगा नॉर्थ कैसे पता चलेगा प्लस बना लो नॉर्थ ऊपर जाएगा नाइन मीटर बोला भाई ये तो ट्वेंटी मीटर है मतलब इससे तो छोटी लाइन होगी तो ये नाइन अगर आर से मैं चली नॉर्थ में तो इस लाइन से तो छोटी लाइन होगी आधे से थोड़ी कम होगी ये बैठा दिया मैंने यहां पे नौ मीटर पे क्या आ गया एल आगे बोलते हैं पॉइंट वी नाइन मीटर नॉर्थ ऑफ एम V और M दिख दिख रहा रहा है अभी नहीं दिख रहा है, छोड़ दो आगे पॉइंट एल सिक्सटीन मीटर वेस्ट में है वी के वी के वेस्ट में है मतलब वी के इधर होगा वेस्ट इधर आता है ना ये प्लस याद रखना वेस्ट कहां आता, है, इधर आता है किसी भी पॉइंट का तो वी अगर ये है तो इसका वेस्ट इधर आएगा कितना इन्होंने बोला सोलह मीटर सोलह मीटर पे आएगा साथ में एक और लास्ट एक लाइन बची थी पॉइंट वी नाइन मीटर नॉर्थ में है एम के तो अगर एम के नॉर्थ में है मतलब कि एम से ऊपर है एम के सर के ऊपर है तो ये देखो ये भी नाइन मीटर की लाइन है तो ठीक इसी के इक्वल में एक लाइन इसी पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ पे एम आ गया ये नाइन मीटर की लाइन ठीक पैरला लाइन ज़रूर देखेंगे पैरला लाइन नहीं देखी तो दिक्कत हो जाएगी डायग्राम में आपको डिस्टेंस के इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हमसे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा फॉलोइंग पॉइंट आर इन लाइन लाइन में कौन से पॉइंट e e में तो नहीं है भाई, है ना मतलब तो ऐसे ऐसे हो, ऐसे हो L -U -V है क्या एल यू और यू नहीं है एक स्ट्रेट लाइन में तीसरा देखिए ओ आर वी ओ आर और ये वी ओ आर वी ये भी एक ट्राइंगल जैसा कुछ बन रहा है सीधे स्टेट लाइन में तो नहीं है नेक्स्ट एम आर यू एम आर यू ये देखो एक स्टेट लाइन में आ गया है ना तो ये जैसे ही एक स्टेट लाइन में आया क्या चीज एम आर एंड दिस इज यू मतलब ये तीनों ही पॉइंट आर गिवन इन स्ट्रेट लाइन आर यू ठीक है चलिए नेक्स्ट ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे इसमें अब कुछ नहीं है मिस्टर तनेजा पे बेस्ड है ना ये रोहन वाला क्वेश्चन भी आप अब खुद कर लेंगे मैं हर चीज़ बता चुकी हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको पी के फॉर्म में दूंगी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप सोना शर्मा पर पूछ सकते हैं सोना शर्मा रीजनिंग डालिएगा सात हज़ार से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ वहाँ पर कनेक्टेड हैं आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं आगे देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है अब हमने और सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए पर अभी भी ये क्वेश्चन बचे हैं ये क्वेश्चन कैसा है जिसमें दो लोगों की एंट्री होने वाली है ये मनीष है और यहाँ पे एक दिशा नाम की लड़की भी है अब ये कहाँ मिलेंगे कहाँ से चलेंगे कैसे होगा ये क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं कुछ छोड़ना तो है नहीं तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखेंगे फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी चलिए करते हैं इसे भी हो जाना चाहिए था मतलब समझ में तो आ ही जाना चाहिए था जितना भी रीड किया होगा उससे ओके okay? देखते हैं मनीष और दिशा को कैसे यहाँ पे हम चलाएंगे मनीष हु इज फेसिंग नॉर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए मनीष कहाँ देख रहे हैं सबसे पहली बात ही इज फेसिंग इन नॉर्थ और ये ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ में देख रहे हैं मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं आगे बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम मीटर वर्ड राइट ए से स्टार्ट करते हैं पर चार मीटर राइट में चले जाते हैं राइट हैंड क्या है इधर मतलब इधर की तरफ चलने लगते हैं पहले इधर देख रहे थे नॉर्थ में पर चलने राइट में लगते हैं मतलब ये जाने लगेंगे इधर की ओर यहाँ पे देख रहे थे अब यहां देख के डायरेक्ट राइट में चलने लगेंगे कितना चार क्स्ट ही टर्न एंड वॉक थ्री मीटर लेफ्ट टर्न लेंगे पहले लेफ्ट कहा जाएगा ऊपर की साइड ठीक है यहाँ से लेफ्ट लिया ऊपर चलने लगे कितना चले तीन मीटर चले ऊपर तक बिफोर टेकिंग राइट टर्न एक राइट right टर्न लेने से पहले ये तीन मीटर चल लिए अब क्या लिया इनने राइट टर्न लिया होगा अब राइट तो इधर ही जाएगा ऐसे बिल्कुल वॉकिंग टू मीटर एंड स्टॉपिंग एट बी और यहाँ से ये दो मीटर चलते हैं लैंग्वेज थोड़ी खराब है इसकी, पर क्या किया जाए यही यही कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई है टू मीटर चलते हैं और यहाँ पे रुक जाते हैं इस पॉइंट का नाम है बी अब दिशा की एंट्री होती है ठीक है दिशा स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ए ए, ए पॉइंट से दिशा भी स्टार्ट करती है ट साउथ पर यह दो मीटर साउथ जाती है तो साउथ तो नीचे जाएगा दो मीटर साउथ गई एंड फोर मीटर फिर यह लेफ्ट टर्न लेती है लेफ्ट कहाँ होगा इस साइड और फोर मीटर मतलब पैरल लाइन देखो ये फोर है तो ये भी फोर होगी फोर मीटर चलती है right राइट टर्न right right नीचे की साइड होगा और यह दो मीटर चली दो मीटर चली और फिर से लेफ्ट टर्न लेके दो मीटर चलती है लेफ्ट कहाँ होगा साउथ में देख लिया लेफ्ट इधर होगा लेफ्ट इधर होगा और दो मीटर चली पर अभी पैरल लाइन जरूर देख लेना हम देखेंगे ये सारे पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं है ना? और जब ये यहाँ से चलेगी तो ये दो की लाइन है तो यहाँ से ठीक इसके नीचे आनी चाहिए ये लाइन यहाँ क्यों क्योंकि जब वो आपसे पूछेगा बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ है तो आप बोलोगे साउथ इसलिए ये पैरल लाइन्स और वो डिस्टेंस पैरल डिस्टेंसेस का बहुत ध्यान रखना मैं नहीं बोल रही हो कि नौ नौ और तीन में तुम्हें डिफरेंस दिखना चाहिए कि तीन छोटा बना रहे हो नौ बड़ा बना रहे हो इतना जरूरी नहीं है लेकिन अगर वो पैरल ही आ जाए नौ तीन के पैरल अगर आपको लाइन बनानी पड़े तो आपको डिस्टेंस जरूर देखना है वरना गलती होने की बहुत चांसेस है लेफ्ट टर्न एंड वर्स टू मीटर एंड डिस्टर्बेड पॉइंट सी तो क्या किया इन्होंने ए पॉइंट से दो मीटर चली पहले लो दो मीटर चली ठीक है साउथ में फिर लेफ्ट टर्न लिया और चार मीटर चली फिर राइट टर्न लिया दो मीटर चली फिर लेफ्ट टर्न लिया दो मीटर चली एंड एट पॉइंट सी और सी पॉइंट पे पहुंच गए अब ये बोल रहे हैं डिस्टेंस बताओ बिटवीन बी एंड सी तो बी और सी के बीच में दूरी तो आप क्या देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही देखेंगे डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही चीज होती है सीधे यहाँ से डायरेक्ट जब देखेंगे तो आप बताइए ये लाइन है तीन की तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन हो गई थ्री यहां से ये यह लाइन है टू की तो यहां से यहां से यहां तक की लाइन हो गई क्या टू और यहां से यहां तक की लाइन पैरल लाइन देखो ये भी टू है तो ये भी टू कितना हुआ? टू प्लस टू फोर फोर प्लस थ्री सेवन सेवन अब ये बोलते हैं एक क्वेश्चन इफ दिशा वॉक्स फोर मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ अगर दिशा नॉर्थ चली जाती है कौन से पॉइंट से सी पॉइंट से टू मीटर नॉर्थ चली जाती है दिशा यहां इस पॉइंट से दो मीटर नॉर्थ मतलब यहां पे आके खड़ी हो गई यहां इस पॉइंट पे आके ठीक है द हाउ फार विल शी बी फ्रॉम पॉइंट ए तो पॉइंट ए से कितनी दूर है ये तो पॉइंट ए से फार पूछा है तो डायरेक्ट पहुंचेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टोटल नहीं शॉर्टेस्ट ए से डायरेक्ट यहां तक पहुंचेंगे ठीक है और क्या करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं ऐसे ऐसे तो ये देखो बन गया ना राइट एंगल ट्राइंगल तो ये क्या हो जाएगा हाइट का स्क्वायर मतलब कि टू का स्क्वायर प्लस ये फोर है और ये कितनी है ये 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 कितनी थी भाई, ये थी भाई तो हाइट तो तो का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब आपका ए और इसका फाइनल पोजीशन का स्क्वायर मतलब आपका आंसर का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स दिस विल बी इक्वल टू फोर्टी और जो भी आपका आंसर होगा उसके ऊपर से जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा फोर्टी को थोड़ा हम डिवाइड अगर कर दें या प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा टू इंटू फाइव टू फाइव जो टेन होता है और टेन का फोर टाइम्स फोर्टी होता है मतलब टू इंटू टू ठीक है टू टू जो फोर फोर फाइव जो ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो फोर्टी यहाँ पे यह अगर अंडर रूट में मैं लिख दू फोर्टी को बाइफोट कर दिया तो अब क्या आएगा इन दोनों की है? अगर सिंप्लीफाई मैनर में आया तो वैसे कर दो अगर डायरेक्ट रूट फोर्टी से रखा तो वैसे कर दो आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें भाग नहीं रहे हैं समझ रहे हैं चीजों को ठीक है ये सारे क्वेश्चन अब आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि मैं हर चीज़ आपको समझा चुकी हूँ पर अब आती है मेन्स की बात मेन्स में कैसा क्वेश्चन होगा तो अब मैं बात करने वाली हूँ पोडे डिस्टेंस डायरेक्शन की कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन की अब देखो ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये आपके मेंस में आते हैं देखिए अगर प्री में मैं डिस्टेंस डायरेक्शन की बात करूं तो प्री में आपके जो डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके तीन नंबर के मिनिमम और पांच नंबर के मैक्सिमम आते हैं अगर मेंस की बात करूं तो इसमें भी ऐसा ही है या तो तीन क्वेश्चन या तो पांच क्वेश्चन आपको मिलेंगे डर डिस्टेंस डायरेक्शन आपके जो पीओ के मेन्स होते हैं उसमें काफी देखे जा रहे हैं और क्लक के मेन्स पे भी आ सकते हैं होगा कैसे ये देखते हैं देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता है बस आपको एक ना एक्सप्रेशन दे दिया जाता है यहाँ पे चार मैंने स्टेटमेंट ले लिया है एक ही इससे समझ जाएंगे हम चार मैंने स्टेटमेंट ले ली है और यहाँ पे बाद में फिर उन्होंने वही पूछा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ पर हमें इन स्टेटमेंट्स को डिकोड करना होगा कोडिंग कुछ ऊपर दे रखी है ए कुल बी मतलब होता है ए तेरह मीटर नॉर्थ में है बी के अगर प्लस यूज़ कर दिया मतलब वो जो पहले वाला एलिमेंट है वो चौबीस मीटर वेस्ट में है बी के अगर हैश यूज़ कर दिया मतलब ए जो है वो पचपन मीटर ईस्ट में है बी के बी के ईस्ट में मतलब बी का ईस्ट यहाँ ए के इज इतना वेस्ट ऑफ बी बी का वेस्ट मतलब सॉरी बी का ईस्ट इधर होगा और बी का वेस्ट इधर होगा ठीक है बी का नॉर्थ यहां होगा बी का साउथ यहां होगा वो ही जो अभी हमने प्लस सीखा है चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं क्या बोला इन्होंने ई हैश डी हैश सी अब C को मैं कहाँ से ज्वाइन कर सकती हूँ C इक्वल बी हैश मतलब B और फिर A हैश B भी दे रखा है ठीक है चलो करते हैं स्टार्ट इसे ऐसे तोड़े रखते हैं पहले बना लेते हैं इन एक्सप्रेशन को जोड़ के पहले बनाएंगे पर इससे पहले मैं दूसरा आपको क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें एक ही एक्सप्रेशन दिया हो ठीक है यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं एन में ये चीज़ लगेगी और इस पर एक और तरीके से आपका क्वेश्चन होगा चलो देखते हैं कैसे होगा बट इससे पहले हम ये वाला करते हैं जहाँ पे सिंपल बता रखा है कि हर एक सिंबल का कोई मतलब है इक्वल का मतलब नॉर्थ है प्लस का मतलब वेस्ट है हैश का मतलब ईस्ट है और स्टार का मतलब सेवेंटी सिक्स है इसी के साथ इन्होंने मतलब कि साउथ है मतलब कि डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस आपको बताया गया है हर एक कोड का मतलब डिस्टेंस विद डायरेक्शन दे रखा है अब हमें नीचे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं चार उन एक्सप्रेशंस में हम इन्हें उतारेंगे कैसे ये देखिए जब इन्होंने बोला ई हैश डी तो ए हैश डी मतलब ए हैश बी मतलब क्या था ए इज 55 मीटर ईस्ट ऑफ बी तो ई हैश डी मतलब क्या होगा ई e इज 55 मीटर फिफ्टी फाइव मीटर ईस्ट ऑफ डी ठीक है एच बी मतलब ए इज फिफ्टी फाइव मीटर ईस्ट ऑफ बी मतलब ई हेच डी मतलब ई इज फिफ्टी फाइव मीटर ईस्ट ऑफ डी डी हेच सी मतलब क्या होगा ए हेच बी मतलब ए पचपन मीटर ईस्ट में है बी के तो डी एच सी मतलब होगा डी इज पचपन मीटर East of पीछे वाला C. क्या हो रहा है ए और बी की जगह को बस हम क्या रख दे रहे हैं ई एच डी मतलब ई e यहां रख दो डी यहां रख दो जब वो डी एच सी कह रहे तो डी ना अब इसे बनाते हैं इसे बनाएंगे कैसे वो देखते हैं यहाँ पे हमें चार एक्सप्रेशन दे रखे हैं तीन है सॉरी नहीं चार है चार है ये देखिए कॉमन लगा हुआ ई हैचडी e मतलब ई फिफ्टी फाइव मीटर ईस्ट में होगी ए फिफ्टी फाइव मीटर ईस्ट में होगी B के मतलब ई फिफ्टी फाइव मीटर ईस्ट में होगी डी के किसके ईस्ट में डी के ईस्ट में डी क्या ईस्ट इधर जाएगा प्लस बना लो कितना पचपन मीटर ठीक है ये यहाँ पे कौन आया आपका डी के इधर ई आ गया ठीक है ऐसे ही डी इज फिफ्टी फाइव मीटर ईस्ट ऑफ सी तो डी ईस्ट में होगी किसके सी के कितना फिफ्टी फाइव ठीक सीधी बननी चाहिए ये लाइन मेरी सीधी नहीं बनी है है ना मिनट कोशिश तो कर सकते हैं सीधी बनाने की कोशिश करेंगे बस बेटर ना दिस इज फिफ्टी फाइव दिस इज फिफ्टी फाइव आगे E star G मतलब अब A star B मतलब ढूंढो B is अब देखो उल्टा कर दिया पीछे वाला पहले लिख दिया आगे वाला बाद में लिखा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये ये बोल रहे बी इज सेवेंटी मीटर साउथ ऑफ A मतलब इसका मतलब क्या हुआ G is सेवेंटी सिक्स मीटर साउथ ऑफ पहले वाला कौन है एलिमेंट ई e. जी ई e के साउथ में है सेवेंटी सिक्स ई का साउथ कहाँ होगा नीचे जी कहाँ है सेवेंटी सिक्स मीटर साउथ में है ई e के जी आ गया यहाँ समझ में आया बात कैसे बन रहा है आगे एच प्लस जी ए प्लस बी ढूँढो ए प्लस बी मतलब ए चौबीस मीटर वेस्ट में है बी के तो एच प्लस जी मतलब एच चौबीस मीटर वेस्ट में है वेस्ट ऑफ जी ए बी की जगह एच जी आ जाएंगे बस तो एच चौबीस मीटर वेस्ट में है जी के जी दिख रहा है जी का आएगा आएगा वेस्ट आएगा? पहले ये बताओ ईस्ट उधर जाता है प्लस बना लो इस ईस्ट इधर जाएगा वेस्ट इधर आएगा कितना चौबीस मीटर तो चौबीस मीटर मतलब इस डॉट के नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो पूरी पचपन की लाइन है तो ये देखो यहाँ से चली 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 पर मैं पहले ही रुक गई क्योंकि मुझे बस चौबिस चलना है तो आधे से पहले ही रुक जाना चाहिए तो ये लो मैं यहाँ पे ऐसे आते आते यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रुक गई ये हो गया चौबीस और यहाँ पे आ गया आपका एच ठीक है ट्वेंटी फोर मीटर वेस्ट में आ गया जी के लास्ट है ए हैश बी हैश मतलब ए पचपन मीटर ईस्ट में है B के तो ए पचपन मीटर ईस्ट में है B के ए बी अभी मुझे नहीं दिख रहा है तो अभी रहने देते हैं बी इक्वल सी इक्वल मतलब क्या ए इक्वल बी मतलब होता है ए इज तेरा मीटर नॉर्थ ऑफ बी मतलब ये जो बी होगा यहाँ पे पहले वाला ये तेरा मीटर नॉर्थ में होगा दूसरे वाले के अब यार यहां पे ए बी सी में से मुझे बस सी दिख रहा है है ना ये क्या बोल रही है बी इक्वल सी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा पर ये ए बी अलग है और इस एक्सप्रेशन का अलग है यहाँ पे जब बोल रहे हैं पहला वाला इक्वल दूसरा वाला मतलब पहला वाला तेरह मीटर नॉर्थ में है दूसरे वाले के ऐसे ही यहाँ पे ये जो बी इक्वल सी है इसमें ये नॉर्थ में होगा सी के कितना तेरह मीटर मतलब बी नॉर्थ में होगा सी के सी के नॉर्थ में मैंने बी को रख दिया तेरह मीटर पे आगे ए हैश बी हैश बी मतलब ए पचपन मीटर ईस्ट में है के मतलब कि बी का ईस्ट इधर जाएगा पचपन मीटर पचपन मीटर की लाइन आप देख रहे हैं पैरल है मतलब ठीक मैं इसके ऊपर आके बैठ जाऊंगी और ये हो गया पचपन मीटर और ये आ गया ए आई बात समझ में आगे देखो अभी क्वेश्चन क्या पूछते हैं यदि एफ इकतीस मीटर वेस्ट में है एच के इन्होंने बोला अगर एफ एच के वेस्ट में एच का वेस्ट कहाँ जाएगा ईस्ट इधर जाएगा वेस्ट इधर जाएगा पचपन मीटर इकतीस मीटर वेस्ट में बोला है ठीक है अब इकतीस कितना होगा ठीक डी के नीचे क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसे क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है पचपन यहाँ से यहाँ तक की है आपके चौबीस इसे थोड़ा और मैं अच्छा बना लेती हूँ इतना गंदा नहीं बना सकते हूँ इतना सुंदर डाइग्राम बनाए इतनी मुश्किल से बना हाँ ये हो गया इकतीस मतलब डी के ठीक आप नीचे आएंगे इन्होंने बोला अगर एफ यहां है ये जो एक एफ इफ लगाया है ना ये अलग से है ठीक है अगर एफ यहां है बच्चा देन दे आर आस्किंग अगर एफ यहाँ है इकतीस मीटर पे तो ये पूछ रहे हैं वॉट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ़ ए और एफ़ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो देखो ये तीनों लाइन एक स्ट्रेट लाइन में है ठीक है तो ए और एफ के बीच में कितनी दूरी होगी डायरेक्ट पहुंचेंगे क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है या फिर डिस्टेंस भी पूछा होता तो डायरेक्ट पहुंचते तो अब बताओ ये कितना ये इसके पैरल है ये सेवेंटी सिक्स तो ये भी सेवेंटी सिक्स ये कितना इसके पैरल देखो ये तेरा तो ये भी तेरा थर्टीन प्लस सेवेंटी सिक्स कितना हुआ सिक्स प्लस थ्री नाइन और सेवन प्लस एटी नाइन हो जाएगा आंसर यही आ रहा है आप लोगों का ओके वेरी गुड चलिए यहाँ पे कितना टाइम हो गया है आई थिंक टाइम मैंने आज देखा नहीं मैं मस्ती में पढ़ा रही हूँ दो घंटे होने वाले हैं चलो कोई बात नहीं अच्छी बात है सारी चीज आपको कवर करनी है तो भाई समय तो लगेगा है ना पर इसके बाद आपको उठ के देखना नहीं पड़ेगा आपको बस फिर रीजनिंग रील्स रोज दोपहर बारह बजे अटेंड करना है और रोज सुबह नौ बजे आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है मेरे साथ और साढ़े बारह बजे के बाद आपको क्या करना है फिर आपको पूरे दिन आपकी सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी में आप अपनी जी भी कर रहे होगे रीजनिंग मैथ सब चीज कर रहे होगे और अपना मॉक दे के उसका एनालिसिस भी कर रहे होगे ठीक है एक ही चीज दस जगह से नहीं पढ़नी है इतना हो गया क्लियर 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 अब इस पे मैं और कुछ क्वेश्चन पूछूँ आपसे अगर मैं यहाँ पे पूछती हूँ वेयर इज जी विद रिस्पेक्ट टू ए तो क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा है ए पे बना देंगे प्लस जी कहाँ है जी कहीं यहाँ है तो इधर क्या जाता है इधर जाता है ईस्ट नीचे क्या जाता है साउथ तो साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चलो वो समझ में आया आपको जो मैंने समझाया अब ऐसे ही ये वाले में इसमें एक लॉजिक यूज हुआ है और कुछ नहीं है P एंड Q मतलब और आगे वन लिख दिया इन्होंने बोला P नॉर्थ में है Q के साथ में तीन मीटर लिख दिया फिर P परसेंट Q का मतलब यहाँ पे परसेंट Q का मतलब P पंद्रह मीटर साउथ में है Q के और यहाँ पे परसेंट का तो हम समझ गए पर पंद्रह का इन्होंने पांच का इन्होंने पंद्रह कर दिया फिर इन्होंने क्या किया देन दे डेट वन थिंग एट की जगह एट जब लिखा है मतलब कि ईस्ट में है लेकिन चार का बारह कर दिया ब्रैकेट के अंदर जो हमें वैल्यूज़ दिख रही हैं दीज आर द ये तो हमें पता है ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं पर ये वैल्यू जब चेंज हो जा रही है यार इन्होंने वन का थ्री कर दिया फ़ाइव का फिफ्टीन कर दिया फ़ोर का ट्वेल्व कर दिया एट का ये ट्वेंटी फ़ोर करते किस बेसिस पे बोला क्योंकि सब में थ्री से इंटू कर दी है ना तो यहाँ पे भी इन्होंने यही किया है शायद इन्होंने जो भी ब्रैकेट में वैल्यू है उसमें गुणा तीन कर दिया ऐसे ही फाइव थ्रीजा फिफ्टीन फोर जो ट्वेल्व और टू जो सिक्स मतलब हमें भी जो ब्रैकेट मिलेगा हम उसमें इंटू थ्री कर देंगे और वो डिस्टेंस हो जाएगा आगे इन्होंने एक और बात बोली एंड एंड मतलब नॉर्थ हो गया पर्सन मतलब साउथ हो गया कौन किसके साउथ में कौन किसके नॉर्थ में वो भी बताया है पहले वाला दूसरे वाले के पी 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 लिख रखा है फिर उन्होंने डायरेक्शन पूछा एन का विद रिस्पेक्ट टू पी पर उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक सुंदर सा डायग्राम चलिए डायग्राम बनाने की राह पर चलते हैं बहुत मजा आने वाला है जल्दी करते हैं क्या है हमारा एक्सप्रेशन है ये 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 है ना चलो सबको पकड़ेंगे एक एक करके इन्होंने बोला एच हैश यू हैश मतलब क्या पी हैश क्यू मतलब पी इज एवर डिस्टेंस दो पी इज वेस्ट ऑफ क्यू क्यू के वेस्ट में है मतलब एच इज वेस्ट ऑफ यू एच वेस्ट में है यू के इसका मतलब क्या हुआ एच इज ऑफ यू कितना into three, जो भी अंदर दे रखा है इंटू थ्री थी थीजा थी नाइन मतलब नाएन। तो पहले मैं आपको बोलूंगी क्या करो हर एक ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को राइट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो जैसे ये हो जाएगा इंटू थ्री थीजा थी नाइन ये हो जाएगा सिक्स थ्रीज एटीन ये हो जाएगा फोर थ्री ट्वेल्व दिस विल बी टू थ्रीज ऑर सिक्स ये हो जाएगा फाइव थ्री फिफ्टीन और ये हो जाएगा थ्री थ्री नाइन ठीक आगे देखो क्या होगा इन्होंने बोला एच हैच यू एच हैच यू मतलब कि एच इज नाइन मीटर वेस्ट ऑफ यू यू अगर ये है तो इसका वेस्ट कहाँ जाएगा U अगर ये है तो इसका वेस्ट इधर जाएगा इन्होंने क्या बोला है H वेस्ट में है U के U अगर ये है तो इसका वेस्ट इधर गया 9 मीटर वेस्ट में कौन है H है आपका ठीक आगे अब H और U से रिलेटेड और कोई चीज मिल रही है तो ढूंढ लो एच या यू से रिलेटेड अभी तो नहीं मिल रही एक मुझे मिली है v% percent h h से रिलेटेड मिल गई तो इसे पकड़ो p% percent q मतलब p इज 15 मीटर साउथ ऑफ q मतलब v इज 12 मीटर साउथ ऑफ h h का साउथ नीचे जाएगा v बारह मीटर साउथ में आ जाएगा एच के ये लो वी हो गया ठीक है सही चल रहा है सब आगे वी और एच अब ढूंढो वी एच या फिर यू से रिलेटेड कोई पॉइंट हमने देखा हमें वी मिल गया इसे पकड़ लो एन एट वी तो ऊपर देखो पी एट क्यू मतलब पी इज ईस्ट ऑफ क्यू मतलब एन इज ईस्ट ऑफ वी कितना डिस्टेंस पंद्रह एन इज फिफ्टीन मीटर ईस्ट ऑफ वी मतलब वी के ईस्ट में पंद्रह मीटर पे एन होगा V का ईस्ट कहाँ जाएगा प्लस बना लो ईस्ट इधर जाएगा अगर यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ गई मतलब ठीक इस पॉइंट के नीचे तो ये नौ है तो ये भी नौ है तो ये भी नौ हो जाएगा हमें पंद्रह जाना था मतलब अभी हमें छ और जाना है तो और जाओ आगे ये लो छ गए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन हो गया ये वाला अब एन वी से रिलेटेड एन से रिलेटेड एक और पॉइंट मिल गया ये वाला इसे पकड़ो एंड मतलब क्या तो P and Q मतलब P is three meter north of Q मतलब कि Q is six meter north of N है ना N के north में छः meter पे अब खुद सोचो N का north तो ऊपर जाएगा छः meter कितना होगा ये पूरे बारह की line है तो इसका तो आधा ही होगा इसका तो आधा ही होगा तो छ मीटर ये होगा कौन आ जाएगा यहाँ पे क्यू क्यू नॉर्थ में आ गया के छ मीटर पे अब क्यू से रिलेटेड पॉइंट है हाँ ये है पकड़ लो इसे जैसे हम में पकड़ रहे होते हैं पॉइंट्स को क्यू एंड पी एंड मतलब यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा मतलब कि पहले वाला नॉर्थ में है दूसरे वाले के कितना डिस्टेंस जो भी है गुणा कर दिया पहले वाला नॉर्थ में है दूसरे वाले के तो यहाँ पे Q एंड P मतलब क्यू इज नॉर्थ ऑफ पी कितना 18 मीटर क्यू पी के नॉर्थ में है मतलब पी के ऊपर होगा पी के सर के ऊपर होगा तो पी कहीं यहां होगा तो P के नॉर्थ में क्यू आ गया यही तो बोला है Q एंड N मतलब Q इज नॉर्थ ऑफ P तो पी के नॉर्थ में आ गया क्यों? अब 18 मीटर आ रहा है, 18 मीटर है, तो कैसे करेंगे? ये छः है, छः का तीन गुना होता है 18, मतलब 12 बच गया, ठीक है? ये 12, 12 प्लस 6 विल बी 12 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 18, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा, समझ तो में आ रही है बात? आगे देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन है पीओ के मेंस में आया था ये 2022 के भी पी एस पीओ के मेंस में आया और 2021 के में भी आया था ठीक है तो ये दोनों टाइम आया है उससे पहले भी आ रहा है ये आरबीआई ग्रेड बी में भी पूछा गया था पिछले साल और एसबीआई uh, के एग्जाम्स में भी डिस्टेंस डायरेक्शन आया मैं तो ये बोल रही हूँ बीच में जो पीजी का एग्जाम था उसमें भी आया था तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन्स के लिए आगे लास्ट क्या है p#m मतलब होता है p इज वेस्ट ऑफ q मतलब p इज वेस्ट ऑफ m p m के वेस्ट में है कितना 9 मीटर p इज वेस्ट ऑफ m m का वेस्ट m का वेस्ट तो इधर जाएगा मतलब p वेस्ट में कब आएगा जब m इधर होगा m के वेस्ट में p आ गया कितना 9 मीटर 9 लिख दो तो. बन गया हमारा डायग्राम लो हो गया हमारा मींस का क्वेश्चन अब

इसी के साथ वो आपसे एक और डिस्टेंस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दैट व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड एन तो कैसे करोगे एच से डायरेक्ट एक लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल ट्वेल्व का स्क्वायर हो जाएगा वन फोर्टी फोर और नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन का स्क्वायर हो जाएगा दो सौ पच्चीस दो सौ पच्चीस से वन फोर्टी फोर आप प्लस कर दोगे लास्ट में नाइन की वैल्यू आएगी मतलब से 144 फोटी फोर जैसी कर दोगे 961 ये हो गया 13 13 हो जाएगा हाइपोटेनस समझ में आ रही है बात मैं क्या बनानाने की कोशिश कर रही हूँ हाँ 169 सिक्सटी नाइन विल बी द इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ थर्टीन ना तो आपका क्या हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 13 13 आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं बोलूँगी आप मुझे टोटल डिस्टेंस बताइए तो आप ये वाला रूट फॉलो कर रहे होंगे और ऐसे पहुँच रहे होंगे तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व प्लस डायरेक्ट होगा ठीक है ट्वेंटी हो जाएगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग है ना या थर्टी सेवन होगा ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन होगा सही है आई वॉज नॉट रॉन्ग आई कैन नॉट बी रॉन्ग मैं नहीं रॉन्ग हो सकती हूँ अब देखो यहाँ पे कैन बी कैन नॉट बी कैन नेवर बी ये सब भी मैं बताऊँगी सिलोगिज्म में नेक्स्ट लेते हैं सिलोगिज्म की क्लास आई होप सेशन पसंद आया होगा uh, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे पूरा हमने दो घंटा इस सेशन में लगाए हैं और डायरेक्शन डिस्टेंस इससे पहले भी मैं वन शॉट वीडियो कर चुकी हूँ आपके इनक्वालिटीज़ का वो भी आपका पौने तीन घंटे का तीन घंटे का लगभग आपका वो सेशन है देख लेना उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा डिस्टेंस डायरेक्शन ये दो घंटे का सेशन इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा एग्जाम में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से और तीसरा मैंने एक और चैप्टर कराया दैट इज़ अलफर अमेरिक सीरीज़ उसके बाहर से भी नहीं मिलेगा उसमें मैंने स्टेप बेस्ट सीरीज़ भी कराई थी जो कि कल ही आर ग्रेड बी के एग्जाम में भी आई थी ठीक है तो मेंस भी यहाँ पे कवर हो रहा है तो अगर मेंस भी करना है प्री भी करना है पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना है अपना सिलेबस ख़त्म करना है तो आना है बैंकर अड्डा पे, सोना मैम के वन शॉट वीडियो पढ़ लेने हैं सब चीज़ हो जाएगी ठीक है और बिल्कुल मैं बिल्कुल बेस बेसिक से कराऊंगी, साथ में मेरे साथ आप रीजनिंग रील्स में ज़रूर जुड़ेंगे एंड ये रहेगा आपका आ, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने ये हम कर ही चुके हैं इन्होंने एक और चीज पूछ ली कि अब ये बताओ जरा वेयर इज अगर एक्स एक पॉइंट है नॉर्थ में एम के एम के नॉर्थ में अगर एक्स आता है तो आप बताओ कि एक्स एन के रिस्पेक्ट में कहाँ होगा बस एन से देख लो कहाँ है एक्स ठीक है पहले एक पॉइंट बनाना पड़ेगा और फिर देखना होगा एन के संदर्भ से एक्स कहाँ है इसका आंसर आप कर पाए तो मुझे ज़रूर भेजिएगा नीचे कमेंट में कमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सेशन कैसा लगा और क्या आपने ये देखा क्या आपका इससे एग्ज़ाम पर फ़र्क पड़ा आपका क्लियर हुआ और अगर, अगर अपने दोस्तों को जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की जिन्हें बड़ी प्रॉब्लम है नहीं हो पा रही है चीज़ें के लिए उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजेंगे और रिकमेंड ज़रूर करेंगे एक और बात ये तो मंडे को आता है ढाई बजे सेशन ठीक है मैं डेली बेसिस पे आपके साथ रोज नौ और दोपहर बारह बजे रोज़ सुबह नौ बजे और दोपहर बारह बजे दोपहर बारह बजे वाला जो है दिस इज़ रीजनिंग रील्स विद सोना शर्मा रीजनिंग रील्स विद मी है दिस इज़ माय शो दिस इज़ माय प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे हम बेस बना रहे होते हैं प्री और मेंस की वन शॉट वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस करा रही होती हूँ प्री और मीनस का उसके बाद अब बात बची क्या आपकी प्रैक्टिस वो भी मैं ही कराऊंगी वो कौन कराएगा तो उसके लिए भी ये जो है ना ये रील ज़रूर देखना इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराती हूँ दस दस सेकंड में हम आंसर कर रहे होते हैं और हर एक चीज़ को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं जिससे हम जब भी स्पीड के साथ जो आपकी एक्यूरेसी जारी होती है ना गलत हो रहे होते हैं स्पीड के चक्कर में वो होना बंद हो जाएंगे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी माइंड में एंड इसका नाम भी यही है कि हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करना है सो ट्वेल्व पी एम इज़ द टाइम टू ट्रेन योर ब्रेन ठीक है नेक्स्ट रोज सुबह नौ बजे रोज सुबह नौ बजे मैं रीज़निंग का पूरा एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराती हूँ मेरे साथ वहाँ ज़रूर जुड़ेंगे यहाँ भी नौ बजे जुड़ गए एक घंटे का सेशन उसके बाद बारह बजे जुड़ेंगे सिर्फ आधे घंटे का वो आ, ट्रेनिंग और माइंड वाला सेशन होता है अब जब आपका होना कि यार मुझे अभी रील्स देखनी है तो मैं बोलूंगी इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दोज इंस्टा रील्स और यूट्यूब रील्स यू शुड वॉच दीज रील्स इन रीजनिंग रील्स जो मैंने अभी बताया था और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आप मेरे साथ यहाँ पर नौ से दस बजे करेंगे जहाँ पर हम मैम ऑर्डेड लेवल के आपको क्वेश्चन कराऊंगी जिससे कि मेरा ये प्रैक्टिस सेट करके जाओगे एग्जाम में तो आपका प्री तो आराम से निकल जाने वाला है यहाँ पे अभी हम मैं प्री के चल रहे हैं मेंस के लिए और प्री प्लस मेंस पूरा सिलेबस के लिए मैं वन शॉट वीडियो एवरी मंडे ला रही होती हूँ यह हमारा पूरा YouTube का शेड्यूल है आप देख सकते हैं तो इसमें सब लोग हैं पर इन सभी से पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा बैंक सड्डो को सब्सक्राइब करना होगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ साथ ही साथ मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने के लिए सोना शर्मा रीजनिंग जरूर लिखेंगे और इसमें ज्वाइन जाएं हो जाएंगे सेवन प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं आप भी इसका हिस्सा हिस्सा बन सकते हैं एंड 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 मेरे से डायरेक्ट बात करने के लिए और प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना आपका कॉमेंट्स जिससे कि मुझे पता चल सके आपको इससे मिल रहा है हेल्प या नहीं और साथ ही साथ मुझे यह भी पता चल सके कि आ, कि आप लोगों को अब यह चैप्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप अपना कोई डाउट भी पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट 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 इज़ नथिंग अगले वनडे मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ इन आपका आ, अल्फनमेरिक सीरीज एंड थॉट डायरेक्शन डिस्टेंस मैंने पूरा करा दिया है आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक यू लाइक द सेशन सो प्लीज़ डू लाइक द सेशन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे विद अस। थैंक यू बाय बाय टेक केयर एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन आई वुड लव टू रिप्लाई थैंक यू बाय